हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया इन जूलॉजी। आज हम माइनर 42 का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके बायो का 14th माइनर है। तो इसमें डीसीएम के इस पेपर में सबसे फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु प्रपोज्ड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ would have originated from pre-existing non-living organic molecules। सबसे पहले किसने ये प्रपोज किया कि निर्जीव कार्बनिक अणुओं से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, तो ये बात सबसे पहले किसने प्रूव की थी? इसको ओपेरिन इंग्लैंड एंड एल्डेन रसिया, लुईस पाश्चर ओपेरिन रसिया एंड एल्डेन इंग्लैंड, लेजेरो स्पेलेंजेनी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए इसमें, ये ओपेरिन और एल्डेन ने इसके लिए एक्सप्लेन किया था ये थ्योरी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, केमिकल इवोल्यूशन जो है वो बताया था, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है। क्लियर? तो ये बात ओपेरिन और एल्डेन ने बताया है, तो इनमें से करेक्ट जो है वो कौन सा होना चाहिए? ओपेरिन इंग्लैंड दे रखा है। ओपेरिन कैसे थे? रशियन साइंटिस्ट थे, और एल्डेन है वो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? थर्ड आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, ओपेरिन रशिया एंड इंग्लैंड एल्डेन, जो इसमें एल्डेन है वो इंग्लैंड साइंटिस्ट था। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर। धार्मिक जो ग्रंथ है उन धार्मिक साहित्य के आधार पर जो है वो इनमें से कौन सा मिसमैच है, या इसमें से कौन सा गलत जो है वो है सत्य कथन दिया हुआ। फर्स्ट दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव इवोल्व फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि कहीं भी इन्होंने जो है वो कॉम्प्लेक्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में रिलीजियस एस्पेक्ट्स में जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है उसमें कहीं नहीं दिया गया था। उसमें क्या था कि जिस तरीके से जो डाइवर्सिटी आज अर्थ पे हम देख रहे हैं उसी फॉर्म में डाइवर्सिटी ओरिजिन के टाइम थी, और आगे फ्यूचर में भी वही डाइवर्सिटी उसमें मेंटेन रहेगी। क्लियर यहाँ तक? ये बात बताई थी। और दूसरा, अर्थ की ओरिजिन 4000 ईयर्स एगो, अर्थ की ओरिजिन बताई थी। दूसरा, ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी तरह के चेंजेस या वेरिएशंस ना तो पहले हुए हैं और ना आगे हो रहे हैं, इट मींस कोई नई स्पीशीज ना तो पहले अराइज हुई है और ना ही आगे कोई न्यू स्पीशीज अराइज होगी, ये बताया था स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में। तो कौन सा इसके लिए इनकरेक्ट है वो स्टेटमेंट आपको देखना, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड, आप देख रहे हो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल बी सेम एंड चेंज इन फ्यूचर, करेक्ट है। अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, ये भी करेक्ट है। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर क्रिएटेड एज सच, आज है उसी फॉर्म में बने हुए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर यहां तक? उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ ओपेरिन्स थ्योरी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने ओपेरिन थ्योरी के कौन से पार्ट को एक्सप्लेन किया था? ओपेरिन ने पहले केमिकल इवोल्यूशन प्रपोज किया था, उसके बाद उन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बात कही थी कि सबसे पहले क्या बने, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, उनके एग्रीगेशन से प्रोटोबायोंट, और प्रोटोबायोंट से आगे ईयोबायोंट एंड फर्स्ट लाइफ अराइज हुई थी, ये बात ओपेरिन ने बताई थी। तो मिलर ने जो एक्सप्लेन किया था वो फर्स्ट लाइफ की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था या केमिकल एग्रीगेशन को, और जो है वो प्रूव किया था मिलर ने, किया था केमिकल इवोल्यूशन को, जिसमें इन्होंने बताया था कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टाइम कैसे इवोल्व हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो है वो केमिकल इवोल्यूशन आएगा। तो इसमें केमिकल इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो मिलर ने एक्सप्लेन किया था कि जो अर्थ की उस टाइम की जो नेचुरल कंडीशंस थी
उनको आर्टिफिशियली उस टाइम उन्होंने जनरेट किया, तैयार किया, और उसके बाद उनमें किस तरीके से फर्स्ट लाइफ आई वो आगे की बात थी, लेकिन फर्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फर्स्ट किस टाइम कैसे बने वो बात इन्होंने प्रूव की थी। क्लियर यहाँ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है इसका, फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेम्बलेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, रिजेम्बलेंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनियोलॉजी व्हेन दे केम टू ए कॉमन हैबिटेट। जब डिफरेंट जीनियोलॉजी वाले ऑर्गेनिज्म किसी सेम हैबिटेट में आ जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर सेम टाइप के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स में डेवलप हो जाते हैं कॉमन हैबिटेट में आने के बाद, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इनमें क्या जाएगा, इसका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन एटमोसफियर बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन एटमोसफियर बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले अर्थ पे किस तरह के सब्सटेंसेज पाए जाते थे, तो क्या था, सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबेंडेंट अमाउंट में जो थे वो हाइड्रोजन थी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर वेपर। वाटर भी वाटर वेपर की फॉर्म में था, वाटर की फॉर्म में नहीं था। तो क्या क्या थे, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए इसमें, तो इनके अंदर जो है वो आपने देखा कि क्या क्या होंगे, मीथेन पहले ऑप्शन में देखे, मीथेन ओजोन नहीं था, मीथेन सॉरी ओजोन ऑक्सीजन नहीं था। सेकंड में आप देखें वाटर, वाटर वेपर की फॉर्म में था, हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया, तो यही हो जाएगा इनमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में ऑक्सीजन दे रखा है, ये नहीं होगा। फोर्थ में CO2, अमोनिया एंड मेथिलीन दे रखा है, ये भी नहीं था। क्या क्या थे, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और एक CO2 अगर इसमें होता ऑप्शन तो CO2 करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैमल्स डज नॉट रिप्रेजेंट्स द पैरेलल इवोल्यूशन। इनमें से कौन से पैरेलल इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आंटीटर एंड बॉबकेट, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आंटीटर और बॉबकेट जो है वो इनमें पैरेलल इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। आंटीटर जो है वो न्यूम्बेट के साथ पैरेलल इवोल्यूशन शो करता है, आंटीटर न्यूम्बेट के साथ जो है वो पैरेलल इवोल्यूशन शो करेगा। इसका मतलब ये पहला इसके लिए क्या हो गया, ये डज नॉट रिप्रेजेंट द पैरेलल इवोल्यूशन। क्लियर? आगे देख रहे हो आप, लीमर एंड स्पॉटेड कस्कस पैरेलल इवोल्यूशन है, वॉल्फ एंड तस्मानिया वॉल्फ पैरेलल इवोल्यूशन है। टेबल बना रखी है आपके एनसीईआरटी की बुक में, उस टेबल से लिया गया क्वेश्चन है ये, समझ में आ रही है? उस टेबल में आंट ईटर जो है वो किसके साथ, न्यूम्बेट के साथ जो है वो पैरेलल इवोल्यूशन शो करता है। तो ये इनमें वॉल्फ, तस्मानिया वॉल्फ, माउस मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल माउस, ये सारे पैरेलल इवोल्यूशन शो करते हैं। कौन सा नहीं करेगा, फर्स्ट जो है वो पैरेलल इवोल्यूशन शो नहीं करेगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ है, डार्विन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, डार्विन मोस्टली किससे इन्फ्लुएंस थे, डार्विन जो है वो माल्थस के पॉपुलेशन एसे से इन्फ्लुएंस थे। माल्थस ने जो पॉपुलेशन कंसेप्ट दिया था, पॉपुलेशन ऐसे दिया था जिसमें बताया था कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक वे में इंक्रीज हो रही है, जबकि फूड रिसोर्सेज है वो अर्थमेट्रिक फॉर्म में इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए उसमें क्या हो रहा है, इनके अंदर जो है वो पॉपुलेशन
लिमिट पॉपुलेशन जो है वो बनी रहती है। ये बात माल्थस ने बताई थी, इससे चार्ल्स डार्विन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जर्मप्लाज्म थ्योरी एंड एसे ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, एसे ऑफ माल्थस ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये यहाँ ये गलत दे दिया, माल्थस ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया था। माल्थस ने क्या बताया था, एन एसे ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के लिए इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है? तो बिग बैंग थ्योरी आपको ध्यान है भी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए दी गई थी। बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए दी गई थी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से यूनिवर्स की ओरिजिन हुई। और इसमें क्या पूछा है, इज आर इनकरेक्ट अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्स इज अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो, करेक्ट है। इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, ये भी करेक्ट है। इट एक्सप्लेन अबाउट सोलर नेब्यूला, सोलर नेब्यूला के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। सोलर नेब्यूला का कंसेप्ट जो बताया था वो किसने बताया था, कांट एंड लाप्लास ने। सोलर नेब्यूला जो है वो किसने एक्सप्लेन किया था, कांट एंड लाप्लास ने। कांट एंड लाप्लास इन्होंने सोलर नेब्यूला को एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट, देयर वर नेचुरल सेलेक्शन ऑफ डार्क विंग्ड मोथ्स इन इंग्लैंड आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग्ड जो थे वो मोथ्स सेलेक्ट क्यों किए गए, कैसे किए गए? तो इनके अंदर ब्लैक मोथ का जो सिलेक्शन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम जो है वो पोल्यूशन के कारण धीरे धीरे जो बैकग्राउंड जो है वो उनके जैसा हो गया, डार्क कलर का बैकग्राउंड हो गया, जिसमें वो अपने आप को प्रीडेटर बर्ड्स जो थे उनसे अपने आप को वो प्रिवेंट कर सके। इसके कारण से जो है वो नेचर ने क्या कर लिया, डार्क विंग्ड वाले जो मोथ थे उनको सेलेक्ट कर लिया, वो अपने नंबर्स में मल्टीप्लाई करते गए और जो वाइट विंग वाले मोथ थे वो धीरे धीरे उसमें रिड्यूस होते गए। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए इसमें, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ब्लैक मोथ्स कुड कैमोफ्लेज सक्सेसफुली एंड कुड नॉट बी ट्रेस्ड बाय प्रीडेटर्स, कि ब्लैक मोथ है वो सेम तरह के बैकग्राउंड के अंदर अपने आप को उस वातावरण में छुपा सके और शिकारियों द्वारा वो चिन्हित नहीं किए गए, इसलिए इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती गई। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रेंज ऑफ वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन मेंबर्स फॉर ए ट्रेट डिटरमाइन बाय मल्टीपल जीन्स। जीन्स क्या बता रही है इनमें, निम्नलिखित ग्राफ बहु एलीली जीन द्वारा नियंत्रित एक लक्षण की विभिन्नता के परास को एक समष्टि में प्रदर्शित करता है। तो इसमें इनके अंदर पूछा क्या है, इफ दिस पॉपुलेशन इज सब्जेक्ट टू स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, ये एक पॉपुलेशन है, ये स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन को शो कर रही है, स्थायीकारी वर्ण को शो कर रही है फॉर सेवरल जनरेशन, एक के बाद एक जनरेशन जो आ रही है उनमें स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन शो कर रही है, विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन A to D is most likely to result, stabilizing selection को represent कर रही है, it means कौन सा graph जो है वो उसको represent करेगा, first graph जो है वो उसको represent करेगा कि इनमें stabilizing selection हो रहा है तो median value जो होती है वो अपने peak पर होती है और different value जो होंगी वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। clear यहाँ तक? तो first graph जो है वो उसको represent करेगा। clear। उसके बाद next, इसमें देखें कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग एनिमल्स, निम्न जंतुओं के बारे में विचार कीजिए, ब्रेकियोसोर्स आर्क्योप्टेरिक्स टेरेनोडोन पेलिकोसोर्स एंड थेरेप्सिड्स, ये सारे जो एनिमल्स दे रखे हैं
इनमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज हैव नॉट इवॉल्व फ्रॉम थीकोडोंट सोरोप्सिड एंसेस्टर्स। तो इनमें से थीकोडोंट सोरोप्सिड एंसेस्टर्स से कौन से इवॉल्व नहीं हो रहे हैं? तो थीकोडोंट से आपको ध्यान होगा भी कौन कौन से इवॉल्व होते हैं, डायनासोर्स ये थीकोडोंट्स से इवॉल्व होंगे, इसके अलावा ये इनके अंदर डायनासोर्स के अलावा बर्ड्स ये थीकोडोंट से इवॉल्व होंगे। तो इनके अंदर आप देख रहे हो ब्रेकियोसोर्स, ब्रेकियोसोर्स है वो थीकोडोंट से एंसेस्टर्स जो है उनसे इवॉल्व होंगे। आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड्स जो है वो इसी से इवॉल्व हुए, ये भी इससे होंगे। टेरेनोडोन ये भी क्या है, एक डायनासोर्स है, तो डायनासोर्स भी, ये भी डायनासोर्स है, तो ये दोनों डायनासोर है ये किससे होंगे, थीकोडोंट से इवॉल्व हुए। पेलिकोसोर्स और थेरेप्सिड ये सोरोप्सिड से नहीं होकर किससे इवॉल्व होते हैं, ये पेलिकोसोर्स और थेरेप्सिड है वो दोनों ही किससे इवॉल्व होते हैं, सिनेप्सिड से, ये दोनों सिनेप्सिड से इवॉल्व हुए हैं। तो सिनेप्सिड से इवॉल्व हुए हैं, तो इनमें क्या है पूछा क्या है, विच ऑफ दीज हैव नॉट इवॉल्व फ्रॉम थीकोडोंट सोरोप्सिड एंसेस्टर, तो कौन कौन से नहीं हो रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो इससे इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी आर, डार्विनियन थ्योरी की टू की कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से होते हैं, डार्विनियन थ्योरी के टू की कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सेलेक्शन। ये आपको ध्यान होगा एनसीईआरटी में क्लियर कट दे रखा है की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी, तो डार्विनियन थ्योरी के की कॉन्सेप्ट ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सेलेक्शन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशंस, नए मॉडिफिकेशंस के साथ किसी भी एंसेस्टर से नए डिसेंडेंट्स का डेवलप होना, क्लियर यहां तक। तो करेक्ट आंसर ब्रांचिंग डिसेंट, शाखनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इक्थियोसोर्स वाज, इक्थियोसोर्स क्या थे, एक्वेटिक रेप्टाइल, लैंड डायनासोर, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग रेप्टाइल, क्या थे इक्थियोसोर्स, ये एक्वेटिक रेप्टाइल्स जो थे, तो ये इनके अंदर जो है वो एक्वेटिक रेप्टाइल्स थे, जिसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, इसमें फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स, प्लांट ग्रुप्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इनको अरेंज करने का मतलब है कि सबसे पहले इनमें कौन से इवॉल्व हुए, उसके बाद कौन से इवॉल्व हुए, उसके बाद कौन से इवॉल्व हुए, क्लियर। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अगर इनको अरेंज करें तो सबसे पहले जो है वो कौन से इवॉल्व हुए इन चारों में से, राइनिया, सीड फर्न, ट्रेकियोफाइट, प्रोजिम्नोस्पर्म, तो सबसे पहले जो इवॉल्व हुए थे वो ट्रेकियोफाइट्स इवॉल्व हुए थे, सबसे पहले इनमें कौन से इवॉल्व हुए, ट्रेकियोफाइट्स जो है वो सबसे फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुए थे, तो फर्स्ट नंबर पे ट्रेकियोफाइट, ट्रेकियोफाइट से जो आगे इवॉल्व हुए वो राइनिया टाइप प्लांट ये इवॉल्व हुए, और राइनिया टाइप प्लांट से आगे प्रोजिम्नोस्पर्म ये इवॉल्व हुए, और प्रोजिम्नोस्पर्म से आगे सीड फर्न ये इवॉल्व हुए। इन सीड फर्न से जो है वो आगे जिम्नोस्पर्म, साइकेड्स, डाइकोटिलडोन्स, मोनोकोटिलडोन्स ये सारे किन से इवॉल्व हुए, इन सीड फर्न से इवॉल्व हुए। ध्यान अभी आपके एक फ्लो चार्ट जो है वो आपके एनसीईआरटी में इनका दे रखा है, सबसे पहले जो है वो इनके अंदर क्लोरोफाइट्स, फिर ट्रेकियोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट से राइनिया टाइप एंसेस्टर्स, राइनिया टाइप एंसेस्टर्स से जो है वो आगे ये इसमें कौन से आगे, इनसे प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न, सीड फर्न से डाइकोटिलडोन्स एंड साइकेड्स, डाइकोटिलडोन्स से आगे मोनोकोटिलडोन्स, इस तरीके से ये इवोल्व हैं। तो इनके अंदर फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, ट्रेकियोफाइट्स, तो सी, और उसके बाद राइनिया टाइप सेकंड नंबर पे सी ए, उसके बाद प्रोजिम्नोस्पर्म और सीड फर्न, क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर, थर्ड आ जाएगा सी ए डी बी, क्लियर यहां तक। तो ये आपने देखा इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ए डी बी। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हार्डी विनबर्ग लॉ, हार्डी विनबर्ग लॉ को मेंटेन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या चीज रिक्वायर है जो हार्डी विनबर्ग लॉ को मेंटेन करे। तो हार्डी विनबर्ग लॉ को मेंटेन करने के लिए एक तो क्या होती है, रेंडम मैटिंग, लार्ज पॉपुलेशन,
जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन म्यूटेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन म्यूटेशन जो है वो दोनों हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको इम्बैलेंस कर सकते हैं। कौन कौन से? जीन म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो दोनों ही इसके जो इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इम्बैलेंस कर सकते हैं। मेंटेन करने के लिए क्या होता है? रैंडम मैटिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ लार्ज पॉपुलेशन हो। तो रैंडम मैटिंग एंड लार्ज पॉपुलेशन, ये इसके लिए होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? ए एंड बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गई भी? उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 16। ए पॉपुलेशन एग्जिबिटिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पोजेसेस रिसेसिव ट्रेट इन 25% इंडिविजुअल्स। रिसेसिव ट्रेट कितनी है? 25% इंडिविजुअल जो है वो कौन से हैं? रिसेसिव ट्रेट के हैं। तो 25% रिसेसिव ट्रेट के हैं। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इन जीन पूल ऑफ सेम। इसके जीन पूल में रिसेसिव एलील की जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सबसे पहले क्या बताएंगे इनमें? एलील जो है वो कितने, ये उसकी क्या दे रखा है? इक्विलिब्रियम पोजेस रिसेसिव ट्रेट इन 25%। 25% रिसेसिव ट्रेट है, इट मींस किसकी वैल्यू आ गई? क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो रिसेसिव एलील को क्यू से शो करेंगे, तो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आई है? क्यू स्क्वायर की वैल्यू है ये है 25%। क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्यू की वैल्यू आ जाएगी लोग इसमें रूट 25, तो क्या आनी चाहिए? 5। और 5 का मतलब जो है वो रिसेसिव एलील जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या आनी चाहिए? 0.5 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? फर्स्ट जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया अभी? ये इसमें 16 हो गया। इसमें ध्यान रखें भाई, ये चैप्टर आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें थ्योरिटिकल है काफ़ी चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें हर एक लाइन चैप्टर की, हर एक पॉइंट उसका, हर एक फ्लो चार्ट वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें कहीं भी किसी भी चीज़ को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं आप उसमें लॉस कर रहे हैं। समझ आ रही ना? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हर जगह से हर लाइन जो है वो अपने आप में एक नया क्वेश्चन है। क्लियर? इसलिए आपके सारा चैप्टर जो है वो उसके हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो है वो उसके लिए आपके जो है वो दिमाग में फिल्म क्लियर रहनी चाहिए उसमें, कि ये क्या कहना चाह रहा है उसमें। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट बिलोंग फ्रॉम सिनेप्सिड एंसेस्ट्री। इनमें से कौन सा सिनेप्सिड एंसेस्ट्री से बिलोंग नहीं करता? तो डायनासोर्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स, ये सिनेप्सिड से नहीं होकर किससे होते हैं? सोरोप्सिड के थीकोडोंट से इवोल्व होते हैं। सिनेप्सिड से जो इवोल्व होते हैं, सिनेप्सिड की जो वो चलेगा उनके अंदर क्या होता है? सिनेप्सिड से आगे क्या क्या चलेगा? एक तो इनके अंदर जो है वो पेलिकोसोर्स, इनके अंदर जो है वो पेलिकोसोर्स होता है, और पेलिकोसोर्स से आगे जो है वो इनके अंदर पेलिकोसोर्स, थेरेप्सिड्स, पेलिकोसोर्स और इनसे आगे थेरेप्सिड्स, और थेरेप्सिड से आगे जो है वो मैमल्स, ये इनके अंदर जो है वो सिक्वेंस होती है इनकी। क्या क्या होगा? सिनेप्सिड से पेलिकोसोर्स, पेलिकोसोर्स से थेरेप्सिड, थेरेप्सिड से आगे मैमल्स इवोल्व होंगे। तो इनके अंदर कौन सा इससे रिलेट नहीं है? तो टेरेनोडोन जो है वो इससे रिलेट नहीं होता, क्योंकि टेरेनोडोन जो है वो क्या है? टेरेनोडोन जो है वो एक डायनासोर है, और डायनासोर्स की ओरिजिन जो होती है वो थीकोडोन जो है वो सोरोप्सिड से होती है। क्लियर? डायनासोर्स किससे इवोल्व हुए? थीकोडोन सोरोप्सिड से इवोल्व हुए हैं। तो टेरेनोडोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन सम मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन माइग्रेट टू न्यू प्लेस
एंड रिजल्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू पॉपुलेशन। अगर एक पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल है, ये कोई भी एक पॉपुलेशन है, उस एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल है, वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और माइग्रेट करने के बाद ये इंडिविजुअल यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद में ये एक नई पॉपुलेशन को यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ से निकल के आ गए, एक नई पॉपुलेशन को यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है पॉपुलेशन दीज मेंबर्स आर कोल्ड, जो यहाँ नई में आके और एक नई पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इस इफेक्ट को कहेंगे फाउंडर इफेक्ट। और इसमें जो आ रहे हैं इंडिविजुअल, उन इंडिविजुअल्स को क्या कहेंगे? फाउंडर कहेंगे। इफेक्ट तो फाउंडर इफेक्ट, और जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो क्या होंगे? फाउंडर होंगे। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें दे रखा है व्हेन सम मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन माइग्रेट टू न्यू प्लेस एंड रिजल्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू पॉपुलेशन दीज मेंबर्स आर कोल्ड। इन मेंबर्स को क्या कहोगे? तो मेंबर्स क्या होंगे? इनमें फाउंडर्स होंगे। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, यहाँ फाउंडर इफेक्ट आप आंसर नहीं दे सकते। किसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ? मेंबर के बारे में पूछ रहा है कि जो मेंबर आके नई पॉपुलेशन जिन्होंने एस्टेब्लिश की है, उन मेंबर्स को क्या कहेंगे? तो वो मेंबर्स क्या है? फाउंडर होंगे। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, हु प्रपोज दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। किसने प्रपोज किया था? अनस्टिकल ने ये प्रपोज किया था कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। किसने बताया था? अनस्टिकल ने। वॉन बेयर ने बाद में इसका अपोज भी किया था। वॉन बेयर ने जो है वो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था, और उसने क्या बताया था कि ये जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट शो कर रहा है या रिपीट कर रहा है अपनी फाइलोजेनी को, तो वो केवल उसके एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर को ही रिपीट करता है, उसके एडल्ट कैरेक्टर को रिपीट नहीं करता। क्लियर यहाँ तक? तो ये टर्म जो है वो, ये जो है वो थ्योरी किसने दी थी? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये बताया था अनस्टिकल ने। करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ फोर साइकेट्स एंड डाइकोटिलडोन्स। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया था कि साइकेड्स और डाइकोटिलडोन्स है, उन दोनों के अंदर कॉमन जो एंसेस्टर है इनके, वो क्या होते हैं? सीड फर्न होते हैं, जो किससे इवॉल्व होते हैं? प्रो जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व होते हैं। ये फ्लो चार्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस है। फ्लो चार्ट वाला जो है वो अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया तो आपको सारा ध्यान रहेगा कि कौन से किसके डायरेक्ट एंसेस्टर है, कौन से किसके डिसेंडेंट्स है। क्लियर यहां तक? तो क्या पूछा है इनमें? साइकेड और डाइकोटिलडोन दोनों के लिए पूछा है। तो दोनों का कॉमन एंसेस्टर जो है वो इनमें से कौन से हैं? इसमें जो है वो कॉमन एंसेस्टर है वो कौन से हो जाएंगे? सीड फर्न जो है वो इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स है। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डीकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रो, मड एटसेट्रा। ये बात जो है वो किस थ्योरी में बताई गई? तो ये किस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कई ग्रीक फिलोसोफर जो थे, उन ग्रीक फिलोसोफर ने जो है वो ये थ्योरी दी थी कि जो डेट्रिटस ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपने आप ही अचानक जो है वो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? लेकिन ये थ्योरी कोई साइंटिफिक लॉजिक इसके पीछे इन्होंने नहीं बताया था, इसलिए रिजेक्ट हो गई। लेकिन इसी थ्योरी को बेस माना था ओपेरिन ने। ओपेरिन ने इसी थ्योरी को बेस मानकर फिर उसको इम्प्रूव करके जो है वो अपनी नई थ्योरी दी थी। समझ में आ गई ना? तो अगर ये पूछ लिया जाए कि ओपेरिन थ्योरी बेस्ड ऑन, ओपेरिन थ्योरी इनमें से कौन से पर जो है वो बेस्ड है, तो किस पर बेस्ड होती है? ओपेरिन थ्योरी बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। क्लियर? ओपेरिन ने इसको मॉडिफाइड करके जो है वो बता दिया कि एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, अपने आप अचानक से फर्स्ट लाइफ अराइज नहीं हो सकती। क्लियर यहां तक? ये बात बताई थी। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस डज नॉट सपोर्ट द सर्वाइवल अराइवल ऑफ लाइफ फ्रॉम सम अदर प्लेनेट। ये दूसरे प्लेनेट से जो है वो लाइफ आ रही है
ये इनमें से कौन सी थ्योरी में नहीं बताया गया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया ये बताती है इसी बात को कि पैनस्पर्म की फॉर्म में अदर प्लेनेट से आया। मेटियोराइट थ्योरी भी बता रही है कि मेटियोराइट की फॉर्म में आ गया। कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बताती है कि कॉस्मिक डस्ट के साथ अदर प्लेनेट से जो है वो फर्स्ट लाइफ अर्थ पे आई। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती। ये तीनों थ्योरी है वो अदर प्लेनेट से लाइफ के माइग्रेशन को बता रही है, लेकिन थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में वो नहीं बताता। क्यूवियर ने क्या बताया कि एक बार अर्थ पर जो है वो पूरी तरीके से जितनी भी क्रिएशंस थी वो सारी क्रिएशंस कैटास्ट्रोफ के थ्रू या एक बड़े नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद एक नए सिरे से जो है वो फर्स्ट लाइफ अराइज हुई। लेकिन इन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि जो फर्स्ट लाइफ आई वो किसी दूसरे प्लेनेट से माइग्रेट होकर आई है। क्लियर आ तक? तो ये कैटास्ट्रोफिक थ्योरी में ये चीज़ एक्सप्लेन कहीं भी नहीं की गई है। क्लियर आ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या होना चाहिए, फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स वाज सर्कुलेटेड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट में किनको सर्कुलेट किया गया था? वाटर, वाटर वेपर था, हाइड्रोजन अमोनिया एंड मीथेन। हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन एंड वाटर वेपर। तो करेक्ट आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर ये आ जाएगा इसमें, हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया एंड वाटर। वाटर किस फॉर्म में था? वाटर वेपर की फॉर्म में था। थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट या असत्य कथन को पहचानना है जिसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड अबाउट 3 बिलियन ईयर्स बैक। करेक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन है। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, इट मीन्स 2 बिलियन ईयर्स एगो, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, 2 बिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। ये भी करेक्ट है, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो। ये भी करेक्ट है कि लाइफ जो है वो 4 बिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट लाइफ अर्थ पर अराइज हुई है। तो ये आप देख रहे हैं तीनों स्टेटमेंट यहाँ तक आप देखते जा रहे हो, सही है, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव अबाउट 500 बिलियन ईयर्स एगो, ये इसमें करेक्ट है। ये कब एक्टिव हुए? 350 बिलियन ईयर्स एगो जो है वो ये अर्थ पर ओरिजिनेट हुए और एक्टिव हुए। क्लियर आ तक? तो इसमें करेक्ट जो है वो क्या आना चाहिए था, 350 आता तो करेक्ट होता, ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ब्रांचिंग डिसेंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एनवायरमेंटल इफेक्ट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स, इनहेरिटेंस ऑफ ए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। विच ऑफ दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द लेमार्किज्म, इनमें से कौन से पॉइंट्स जो है वो लेमार्क से या लेमार्क थ्योरी से रिलेट है। तो कौन से पॉइंट है लेमार्क थ्योरी से रिलेट? इनमें से पहला और दूसरा जो पॉइंट है वो तो किससे रिलेट है, डार्विनियन थ्योरी से। ये डार्विनियन थ्योरी से, तो ये नहीं है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विनियन थ्योरी में बताया था, एनवायरमेंटल इफेक्ट लेमार्क थ्योरी में बताया, यूज एंड डिसयूज लेमार्क थ्योरी में, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क थ्योरी में। तो कौन कौन से लेमार्क थ्योरी से रिलेट है? तो लेमार्क थ्योरी से जो रिलेट है वो इनमें से कौन सा पूछा है, विच ऑफ दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म से रिलेटेड है वो कौन कौन से इनमें, सी डी ई, तो सी डी एंड ई ये लेमार्किज्म से रिलेटेड है। तो क्या जाएगा इसमें, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी डी ई। क्लियर? उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन्स रिप्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंट इवोल्यूशनरी एविडेंसेस दीज आर स्टडीड अंडर। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन्स को जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, ये एनाटोमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेज होते हैं। तो कंपैरेटिवली
मोर्फोलॉजिकल एविडेंस में। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या आना चाहिए, इसमें सीधा सीधा करेक्ट आंसर जो है वो इसका फर्स्ट ही आ जाएगा, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मोर्फोलॉजी। क्लियर यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन फॉर द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ब्लैक मोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ बिस्टन बिटुलेरिया। बिस्टन बिटुलेरिया की पॉपुलेशन में फर्स्ट टाइम जो ब्लैक मोथ अराइज हुए उसका क्या कारण रहा होगा। बाद में तो आगे तो आपको ध्यान है कि ब्लैक मोथ जो है वो नंबर्स में बढ़ते गए, उसका क्या कोज रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें सेम बैकग्राउंड के कारण वो अपने आप को प्रीडेटर बर्ड से जो है वो बचा पाए थे। लेकिन फर्स्ट टाइम जो ब्लैक मोथ इवोल्व हुए वो किस कारण से इवोल्व हुए थे, वो म्यूटेशन के कारण इवोल्व हुए थे। क्लियर आ तक? तो पहली बार जो इवोल्व हुए उसमें क्या कारण बताओगे, जीन म्यूटेशन। तो फर्स्ट टाइम जो इवोल्व हुए वो जीन म्यूटेशन। अब यहां एक चीज ध्यान रखें, कई बार जो है वो इसमें थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है कि ब्लैक मोथ का इवोल्यूशन पूछ लिया तो ब्लैक मोथ का इवोल्यूशन सीधा सा मानते हैं नेचुरल सिलेक्शन हो गया। समझ में आ गई? कई बार हम क्या कर देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के कारण ब्लैक मोथ ही इवोल्व हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन फॉर द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ब्लैक मोथ। फर्स्ट टाइम जो ब्लैक मोथ अराइज हुए उसका क्या कारण रहा था, वो जीन म्यूटेशन था, ना कि नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर आ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जीन म्यूटेशन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप देखें 28, सेलेक्ट द मिसमैच्ड सेट ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ह्यूमन एंसेस्टर और उसके कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या पहचानना, मिसमैच को आइडेंटिफाई करना है। ड्रायोपिथेकस क्या दिया हुआ है, एग्जिस्टेड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो एज हैरी एंसेस्टर। करेक्ट है, ये हैरी एंसेस्टर के रूप में जो है वो पहली बार इवोल्व हुए थे 15 मिलियन ईयर्स एगो, जो मोस्ट लाइक टू एप। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एग्जिस्टेड अबाउट 6 मिलियन ईयर्स एगो इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ये इनकरेक्ट हो गया, कब इवोल्व हुए, ये 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो इवोल्व हुए थे। समझ में आ गई भी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब इवोल्व हुए थे, 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो इवोल्व हुए थे। तो मिसमैच्ड अगर आप बात करें तो कौन सा हो गया, सेकंड मिसमैच हो गया। उसके बाद होमो इरेक्टस एग्जिस्टेड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो विद ए ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 900 cc। ये भी करेक्ट है। नियंडरथल मैन एग्जिस्टेड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 lakh to 40,000 ईयर्स बैक। ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट या मिसमैच पूछा है तो क्या आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड। क्लियर? उसके बाद देखें, इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किसका एग्जांपल होगा इनमें से, नेचुरल सेलेक्शन का एग्जांपल होता है, जिसके कारण ब्लैक मोथ को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया और उन्होंने अपनी लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। तो किसका एग्जांपल है ये, नेचुरल सेलेक्शन का एग्जांपल जो है वो होता है ये। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबल टाइम फॉर इवोल्यूशन ऑफ जोलेस फिशेस। जोलेस फिशेस के इवोल्व होने का प्रोबेबल टाइम जो है वो क्या था, 350 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट टाइम जो है वो क्या इवोल्व हुए थे, ये 350 मिलियन ईयर्स एगो जोलेस फिशेस इवोल्व हुए थी। तो करेक्ट आंसर जो है वो इनमें क्या आना चाहिए, सेकंड आंसर जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया एक क्वेश्चन में, जिनके अंदर उसमें दिया हुआ था, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, इन्वर्टिब्रेट्स जो इवोल्व हुए थे वो 500 मिलियन ईयर्स एगो इवोल्व हुए थे। वो उसमें आपको बताया था ये क्या था, ये वर्टिब्रेट एनिमल्स कब हुए इवोल्व हुए, 500 मिलियन ईयर्स एगो दे रखा था, जबकि वो कब हुए थे, फर्स्ट वर्टिब्रेट में या जोले स्पीशीज जो इवोल्व हुई थी वो 350 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट टाइम इवोल्व हुई थी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, इसका सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मैमल्स
on earth was. Diversification of the mammals on earth was क्या था? मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन अर्थ पर कब हुआ? जब जाइंट रेप्टाइल्स जो थे, बड़े बड़े जो रेप्टाइल्स थे, वो जब डिसअपीयर हो गए, उसके बाद मैमल्स इवोल्व हुए. समझ आ गई? जो डायनासोर्स जैसे रेप्टाइल्स अर्थ पे जब तक थे, तब तक उन्होंने मैमल्स को अर्थ पर ज़्यादा इवोल्व नहीं होने दिया. ये कब इवोल्व हुए? सबसे ज़्यादा जो है वो मैमल्स डाइवर्सिफाई कब हुए अर्थ पे? जब ये जाइंट रेप्टाइल्स या डायनासोर जैसे रेप्टाइल्स है वो डिसअपियर हो गए. क्लियर आ तक? तो क्या आना चाहिए इसमें? करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स. तो ये जाइंट रेप्टाइल्स के या बड़े रेप्टाइल्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद जो है वो मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ. क्लियर आ तक? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रेस्पॉन्सिबल टू ओवर राइड द साउथ अमेरिकन फोना आफ्टर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हुआ तो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में फ्यूज हो गए, दोनों कॉन्टिनेंट आपस में ज्वाइन हो गए. उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ अमेरिकन जो फोना थे या नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे कहाँ गए? साउथ अमेरिका तक पहुँचे. और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे आने के बाद धीरे धीरे वो उनके ऊपर डोमिनेट होते गए. क्लियर यहाँ तक? तो क्या हुआ इनमें? विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल टू ओवरराइड द साउथ अमेरिकन फोना. कौन से रिस्पॉन्सिबल थे साउथ अमेरिकन फोना पे ओवरराइड करने के लिए? नॉर्थ अमेरिकन फोना जो है वो उसके ऊपर डोमिनेंट हुए. तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? नॉर्थ अमेरिकन फोना जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो क्या आना चाहिए इसमें? थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिकन फोना. क्लियर यहाँ तक? कब पॉसिबल हुआ? जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए थे. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट नॉन एंसेस्टर ऑफ साइकेड्स, कॉटिलीडोन्स एंड मोनोकॉटिलीडोन्स प्लांट्स. तो इनके सबके जो है वो कॉमन एंसेस्टर्स अगर आप देखें या सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर देखें कि जिनसे ये इवोल्व हुए हैं, तो इनमें से कौन सा पॉसिबल है? तो इनके अंदर जो है वो ट्रेकियोफाइट्स, आपको ध्यान है भी नीचे की तरफ होते हैं सबसे, साइलोफाइटोन भी नीचे की तरफ है, इनके बाद जो है वो आगे राइनिया टाइप, और उसके बाद उनसे आगे जो है वो प्रोजिम्नोस्पर्म, फिर सीड फर्न से जो है वो ये आगे साइकेड, डाइकोटिलडोन और मोनोकोटिलडोन ये इवोल्व हुए हैं. तो सबसे ज़्यादा जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा होना चाहिए इनमें से? सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है वो सीड फर्न्स होते हैं, इन्हीं से डाइकोटिलडोन्स, साइकेड्स और उनसे आगे मोनोकोटिलडोन्स इवोल्व हुए हैं. क्लियर आ तक? तो क्लोजेस्ट जो होगा इनका एंसेस्टर वो क्या होगा? सीड फर्न जो है वो इसका क्लोजेस्ट एंसेस्टर होगा. क्लियर आ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या गया इनमें? फर्स्ट हो जाएगा. उसके बाद आप देखें 34 है, विच ऑफ दीज इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स इन इंक्रीजिंग इवोल्यूशनरी ट्रेंड. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको देखनी है कि सबसे पहले इनमें कौन से इवोल्व हैं, उसके बाद कौन से इवोल्व हैं, उसके बाद कौन से इवोल्व हैं. तो सबसे पहले जो इवोल्व हैं वो इनमें से कौन से हुए हैं? सीड फर्न्स, फिर प्रोजिम्नोस्पर्म. ये गलत दे दिया, क्योंकि पहले कौन सा इवोल्व है? प्रोजिम्नोस्पर्म पहले इवोल्व हुआ है. सेकेंड ऑप्शन में देख लें आप, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोजिम्नोस्पर्म, फिर सीड फर्न्स और डाइकोटिलडोन्स. तो सेकेंड इसमें सही है कि पहले प्रोजिम्नोस्पर्म इवोल्व हुआ, फिर सीड फर्न, डाइकोटिलडोन्स. तीसरे ऑप्शन में सीड फर्न, साइकेड्स, प्रोजिम्नोस्पर्म लास्ट में ले गए, गलत हो गया. प्रोजिम्नोस्पर्म, साइकेड के बाद सीड फर्न है, ये भी गलत हो गया. तो कौन सा सही है? सेकेंड जो है वो उसके लिए करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस होगी. क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ मैमल्स. मैमल्स की करेक्ट सीक्वेंस अगर आप देखें तो मैमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किन से हुआ है? सिनेप्सिडा से. सिनेप्सिड से पहले पेलिकोसोर्स, पेलिकोसोर्स से थेरेप्सिड, और थेरेप्सिड से आगे मैमल्स इवोल्व हुए. तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अगर मैमल्स के इवोल्यूशन की आप देखें तो क्या होता है? सबसे पहले
सिनेप्सिस, देखा ना, दो तरीके से बाइफर्केट हो गया, अर्ली रेप्टाइल्स दो में बाइफर्केट हो गया, एक सोरोप्सिड और एक सिनेप्सिड। सोरोप्सिड से आगे कई तरह के थीकोडोंट है, उससे थीकोडोंट से फिर रेप्टाइल्स वगैरह, थीकोडोंट से आगे बर्ड्स है, डायनासोर्स ये इवोल्व हो गए थे, क्रोकोडाइल इवोल्व हुए और उनसे रेप्टाइल्स टर्टल्स वगैरह इवोल्व हो गए, वो आपने देखे। मेमेलिया का जो इवोल्यूशनरी जो ट्रेंड है वो किस साइड चल दिया, सिनेप्सिडा से, सिनेप्सिडा से पेलिकोसोर्स, पेलिकोसोर्स से थेरेप्सिड, थेरेप्सिड से मेमेलिया। तो क्या सिक्वेंस होनी चाहिए, सिनेप्सिड्स थेरेप्सिड्स एंड मैमल्स। इसके अंदर देखें तो सोरोप्सिड से पेलिकोसोर्स गलत हो गया, सोरोप्सिड से पेलिकोसोर्स नहीं आता, सिनेप्सिड से ही बोल होते हैं, पेलिकोसोर्स सोरोप्सिड गलत हो गया, पेलिकोसोर्स सिनेप्सिड मैमल्स ये गलत है, सिनेप्सिड पहले आएगा उसके बाद जो है वो थेरेप्सिड और थेरेप्सिड से आगे मैमल्स। तो इसमें क्या आना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग करेक्ट सेट होगा, सेकेंड ऑप्शन सिनेप्सिड थेरेप्सिड एंड मैमल्स। ये भी आपके जो फोना का इवोल्यूशन है उसके फ्लो चार्ट में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका करेक्ट आंसर देखना है, समझ में आ गई ना। तो ये इनमें सेकंड हो गया। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर इज नोन एज नॉन टू मेड प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, केव आर्ट के लिए इनमें से कौन सा ह्यूमन जो है वो फेमस रहा है, केव आर्ट करना या गुफाओं में चित्रकारी करना जो है वो किसने शुरू कर दिया था, होमो सेपियंस फॉसिलिस, जिसका कॉमन नेम था क्रोमैग्नन मैन। तो क्रोमैग्नन मैन ने या होमो सेपियंस फॉसिलिस ने जो है वो ये करना सबसे पहले शुरू कर दिया था। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए इसमें, फर्स्ट आ जाएगा होमो सेपियंस फॉसिलिस, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमेज्ड पेयर ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन एंसेस्टर और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इनमें से कौन सा गलत है। पहला इसमें दिया हुआ है होमो हैबिलिस फर्स्ट टूल मेकर, सही है, पहला टूल मेकर या फर्स्ट हैंडीमैन जो है वो इसी को कहा जाता है जिसने टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। होमो इरेक्टस फर्स्ट फायर यूजर, इसने अपने शिकार को भूनकर खाने के लिए, रोस्टेड करने के लिए जो है वो फायर का यूज करना शुरू कर दिया था, ये भी करेक्ट है। थर्ड है नियंडरथल मैन हर्बीवोर एंसेस्टर, ये गलत है, नियंडरथल जो है वो कैसे थे, नियंडरथल ओमनीवोरस थे, ओमनीवोरस होने के साथ साथ इनके अंदर कैनिबेलिज्म की प्रॉपर्टी भी थी, कैनिबेलिज्म स्वजाति भक्षण, अपनी जाति के जंतुओं को भी ये खा जाते थे, अपनी जाति के सदस्यों को भी ये खा जाते थे, कैनिबल्स थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये हर्बीवोर हो, तो ये गलत हो गया। फोर्थ क्रोमैग्नन मैन क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, ये भी करेक्ट है। तो इनमें क्या पूछा है, मिसमेज्ड पेयर पूछा, तो मिसमेज्ड पेयर क्या जाएगा आंसर, थर्ड हो जाएगा ये नियंडरथल वाला, ठीक है। उसके बाद है सेलेक्ट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट अगर देखें, नियंडरथल मैन लिव्ड इन साउथ अफ्रीका, नियंडरथल मैन साउथ अफ्रीका में नहीं था, क्या होगा, करेक्ट है या इनकरेक्ट। नियंडरथल मैन जो है वो सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में जो है वो पाए जाते थे, तो सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में पाए जाते थे, साउथ अफ्रीका में नहीं थे, इनकरेक्ट। एग्रीकल्चर केम अराउंड 18,000 ईयर बैक, ये भी इनकरेक्ट, कब हुई थी ये, 10,000 ईयर बैक जो है वो एग्रीकल्चर शुरू हुई थी, क्लियर यहां तक, ये भी इनकरेक्ट है। स्कल ऑफ मॉडर्न मैन रिजेंबल्स मोर क्लोजली विद बेबी चिंपेंजी, इसमें मॉडर्न मैन का जो स्कल है वो किससे रिजेंबलेंस शो करता है, ये बेबी चिंपेंजी से ये शो करता है, ये करेक्ट है। कैनिबेलिज्म वाज कॉमन अमंग होमो सेपियंस फॉसिलिस, ये भी इनकरेक्ट है, ये किसमें थी, होमो सेपियंस नियंडरथेलेंसिस जो थे उनके अंदर कैनिबेलिज्म का गुण पाया जाता था, बताइए ना, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि नियंडरथल जो मेन थे वो ओमनीवोरस थे और उसके साथ साथ उनके अंदर कैनिबेलिज्म की प्रॉपर्टी भी थी, वो अपनी ही जाति के जीवों को भी खा जाते थे, तो ये इनके अंदर होमो सेपियंस नियंडरथेलेंसिस में था,
होमो सेपियंस फॉसिलिस में नहीं था, फॉसिलिस क्या थे, क्रोमैग्नन, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं थी। क्लियर यहां तक? तो क्या आना चाहिए, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट इनमें से कौन सा हो जाएगा, थर्ड जो है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? उसके बाद आगे देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पहला दे रखा है दे प्रोबेबली डिड नॉट एट द मीट, ये ही इसमें गलत दे दिया। क्या दे रखा है, दे प्रोबेबली डिड नॉट एट द मीट, क्या थे ये, कार्निवोर्स थे जो मीट ही खाते थे, तो ये इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट ही हो जाएगा, दे हैड लार्ज ब्रेन कैपेसिटी अराउंड द 1900 सीसी, ये करेक्ट है। यूज फायर, ये भी करेक्ट है। इवोल्व फ्रॉम द होमो हैबिलिस, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल टू गेट इवोल्व फर्स्ट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ वाज, प्रिमिटिव अर्थ पे पहला मैसेंजर मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा था, डीएनए था या आरएनए था, पहला मैसेंजर मॉलिक्यूल है वो आरएनए था। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए जो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड जो इवोल्व हुआ था वो कौन सा था, आरएनए था। क्लियर यहां तक? करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट, इवोल्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज ए जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज द पंच लाइन ऑफ, ये बात किसने बताई कि इवोल्यूशन जो है वो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस या सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्की प्रोसेस होती है जो अचानक से या डिसकंटिन्यूअस तरीके से इवोल्यूशन होता है। नई जाति की स्पीशीज, नई जाति या नई स्पीशीज का जो इवोल्यूशन होता है, ओरिजिन होता है, वो एक प्रॉपर सिक्वेंशियल प्रोसेस में नहीं होकर रेंडमली होता है, यानी डिसकंटिन्यूअसली या जर्की होता है। ये किसने बताया था, म्यूटेशन थ्योरी ने बताया था, जो किसने दी थी, ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी, तो ये म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये इसमें थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है 42 में दिया हुआ है, 41 हो गया, 42 में आप देखें, पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली व्हाइल फूड सप्लाई इंक्रीज्ड अर्थमेटिकली, दिस कंसेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, ये कंसेप्ट दिया था सबसे पहले माल्थस ने, और माल्थस ने ये कंसेप्ट दिया था इसीलिए इससे इन्फ्लुएंस होकर डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, समझ गए। माल्थस ने पॉपुलेशन ऐसे पर जो है वो उन्होंने ये बात बताई थी कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है वो ज्योमेट्रिकली होती है, फूड रिसोर्सेज जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, अर्थमेटिकली होते हैं। तो टी आर माल्थस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें देखें नेक्स्ट, बर्ड्स विद एवरेज साइज्ड विंग सर्वाइव्ड इन द सीवियर स्टॉर्म बट द शॉर्ट विंग्ड एंड लॉन्ग विंग्ड बर्ड्स डाइड इट शोज। इसमें आप देखें लॉन्ग और शॉर्ट विंग्ड वाले जो थे वो डिसअपीयर हो गए या डेड हो गए, और मीडियम साइज के जो विंग्स थे वो इनके अंदर पीक पे चले गए, यानी एवरेज वैल्यू कैरेक्टर जो है, एवरेज कैरेक्टर वैल्यू है वो पीक पर है और दूसरे कैरेक्टर जो है वो रिड्यूस हो गए। इसका मतलब किस तरह का सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, एवरेज कैरेक्टर वैल्यू जो है वो अगर सेलेक्ट हो रही है पीक पर जाती है तो क्या है वो, उस कंडीशन में जो है वो हम क्या मानेंगे कि वो चीज़ जो है वो क्या होगी, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। क्लियर? उसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ विच वाज प्रपोज्ड बाय एआई ओपेरिन। ये क्या था, इसमें निम्न में से एक जीवन की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य अवधारणा है जिसको एआई ओपेरिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो कौन सी है ये, किस थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया था,
ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, मीटियोराइटिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। एआई ओपेरिन ने किसको बेस लिया था? कंसेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस को उन्होंने कंसेप्ट लिया था, बेस लिया था। उसके बाद उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये अपने आप में एक लंबी सिक्वेंशियल प्रोसेस के कारण डेवलप हुए हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद आप देखें 45 में है, हाउ कैन ए पर्सन लुक बैक इन द टाइम। अपने बैक टाइम को कोई भी पर्सन है वो कैसे देख सकता है? स्टार्स को देखते हुए जो है वो अपने बैक टाइम को देख सकता है। समझ आ गई? एनसीईआरटी की लाइन है, बाय लुकिंग द स्टार्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? बाय लुकिंग द स्टार्स। स्टार्स को देखकर जो है वो अपने पास्ट को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कीमोजेनेसिस। क्या होगा इनमें? कौन सी एक अवस्था आदि पृथ्वी पर रासायनिक पदार्थों के उद्विकास का समर्थन करने के लिए नहीं थी? तो इसमें कौन सी नहीं थी? ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ऑक्सीजन उस टाइम अर्थ पर नहीं थी, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट सारा कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। फ्री ऑक्सीजन उस टाइम अर्थ पर होती नहीं थी। क्या होता था? जैसे ही ऑक्सीजन फ्री थी, वो ऑक्सीजन वाटर के साथ, ये सॉरी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर जो है वो बना लेती थी। तो फ्री ऑक्सीजन उस टाइम थी नहीं। तो करेक्ट जो है वो क्या आना चाहिए इसमें? इसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर इसका थर्ड जो है वो आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये उस टाइम पर कंडीशन नहीं थी। क्लियर यहां तक? क्या आएगा? थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय ओपेरिन। ओपेरिन के थ्रू जो प्रपोज किया गया इवोल्यूशन की थ्योरी है, उसमें सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट दे रखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल एग्रीगेट्स वर फॉर्म्ड इन प्रिमिटिव ओसीन इन द फॉर्म ऑफ कोएसरवेट्स। करेक्ट है ये कोएसरवेट की फॉर्म में बन गए एग्रीगेट होके। कोएसरवेट्स वर मेनली द कलेक्शन ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल्स। ये इनमें गलत हो गया, किसके कलेक्शन थे? मैक्रो मोलिक्यूल्स के कलेक्शन थे। तो इनकरेक्ट जो पूछा है तो क्या आना चाहिए? सेकंड इनकरेक्ट हो गया इसके लिए। प्रोटोबायंट्स वर मेनली फॉर्म्ड बाय द ग्रुपिंग ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स, ये करेक्ट है। कोएसरवेट्स आर कंसिडर्ड एज प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म, ये भी करेक्ट है। इसीलिए इनको कोएसरवेट को क्या कहा था? प्रोटोबायंट कहा था। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें बाकी सारे करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड इनकरेक्ट हो गया। और क्यों हो गया इनकरेक्ट? कि ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स होता है, माइक्रो मोलिक्यूल्स का कलेक्शन नहीं है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट ह्यूमन लाइक एंसेस्टर ऑफ जीनस होमो वाज द होमो हैबिलिस विच शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। इनमें कौन सा कैरेक्टर इनमें से नहीं था? वॉक्ड अपराइट, सीधा चलने लग गया था, ये करेक्ट है। क्रेनियल कैपेसिटी 652 एटेंडेड सीसी, ये भी करेक्ट है, होमो हैबिलिस की प्रॉपर्टी है। प्रोबेबली एट द मीट, ये गलत है। ऑल्सो कोल्ड द हैंडीमैन, ये भी सही है, टूल मेकर या हैंडीमैन भी इसको कहते थे। प्रोबेबली एट द मीट, ये इसका गलत हो गया। कैसा था ये? हर्बीवोर्स थे जो मीट नहीं खाते थे। समझ गए? तो ये थर्ड जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। मीट खाने वाले कौन से थे? इसके बाद जो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये अपना शिकार करते थे और शिकार करके उसके उसकी मीट खाते थे। क्लियर यहाँ तक? लेकिन होमो हैबिलिस ये जो है वो मीट नहीं खाते थे। क्लियर यहाँ तक? तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें 49, सेलेक्ट द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच शोज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इनमें से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है उसको कौन सी शो कर रही है? पहला थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, दोनों की ओरिजिन सेम है। तो क्या है ये? होमोलोगस ऑर्गेन है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे। सेकंड है फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन, ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे।
हाइट ऑफ टू वर्टिब्रेट्स, ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे। एक फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड व्हेल, ये दोनों क्या करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे, जो डिफरेंट हैबिटेट से एक पर्टिकुलर कॉमन हैबिटेट में आ गए, और कॉमन हैबिटेट में आने के बाद इनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स डेवलप हो गए। तो क्या हो गया, इनमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड व्हेल। क्लियर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 50, इसमें दिया हुआ द इवेंट विच वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन इन एटमोसफियर वाज, क्या होगा इनमें, इनके अंदर दिया हुआ द इवेंट विच वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल, कौन सा इवेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब अर्थ पे पहली बार ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हुआ था। कब हुआ, जब वाटर जो है वो हाइड्रोलाइज होकर उसने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। और ये कब पॉसिबल हुआ था, जब फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट जो है वो इवोल्व हो गए थे। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट इवोल्व होते ही इनमें क्या होने लग गया था, वाटर जो है वो हाइड्रोलाइज होकर ऑक्सीजन को रिमूव करने लग गया, ऑक्सीजन रिलीज करने लग गया। उस ऑक्सीजन के रिलीज होने से ऑक्सीजन का लेवल अर्थ पे अचानक से बढ़ा और ऑक्सीजन रिवोल्यूशन आ गया। क्लियर आ तक, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स गलत है, क्योंकि पहली बार जो प्रोकैरियोट्स थे वो कैसे थे, कीमो हेटरोट्रोफ्स से। यूज ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, ये करेक्ट है, वाटर का फोटोसिंथेसिस में यूज होना ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, ये भी जरूरी नहीं है, फोटोसिंथेसिस विदाउट यूज ऑफ वाटर, वाटर के बिना जो है वो फोटोसिंथेसिस से भी ऑक्सीजन रिलीज होना पॉसिबल नहीं है। तो ये कब पॉसिबल हुआ, कौन सी इवेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूज ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर आ तक, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्लियर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट एन एग्जाम्पल विच इज मिसमैच्ड विद इट्स रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड रिलेटेड प्रोसेस। क्लियर। इसमें से मिसमैच्ड को सेलेक्ट करना है, तो मिसमैच को सेलेक्ट करने के लिए इसमें आप देखें फोर एग्जाम्पल दे रखे हैं, और उनमें से उनके करेक्टरिस्टिक फीचर के साथ या रेस्पेक्टिव कैटेगरी के साथ उसको मैच करवाना है। पहला है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेटेजी ऑफ ड्रेको, होमोप्लास्टिक ऑर्गेन, होमोप्लास्टिक ऑर्गेन मीन्स वही एनालोगस ऑर्गेन, एनालोगस ऑर्गेन है, एडेप्टिव कन्वर्जेंस को शो करेंगे, करेक्ट है, तो ये इनमें करेक्ट मैच है। हाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स होमोलोगस ऑर्गेन, और होमोलोगस ऑर्गेन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन को, तो ये भी सही है। उसके बाद है फ्लाइट मसल्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंदर फ्लाइट मसल्स रूडिमेंट्री ऑर्गेन है, ये करेक्ट है। डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ने में इन फ्लाइट मसल्स का यूज ही नहीं करता, इसलिए क्या होती है वो वेस्टिजियल रह जाती है इसमें, ये करेक्ट है। उसके बाद आवर नेल्स एंड ईयर पीना वेस्टिजियल ऑर्गेन्स, ये इनकरेक्ट है। नो यूज फ्रॉम लॉन्गर टाइम, ये इनके अंदर इनकरेक्ट है, क्योंकि अपने में ईयर पीना जो होता है वो ईयर पीना की मसल्स वेस्टिजियल है, बट ईयर पीना और नेल्स वेस्टिजियल नहीं होते। क्लियर आ तक, तो ये इसमें मिसमैच्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ है, वो मिसमैच्ड हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो मैचिंग ग्रुप है। क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 52, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एनालोगस ऑर्गेन्स, एनालोगस ऑर्गेन से रिलेट कौन सा नहीं है, होमोप्लास्टिक ऑर्गेन, ये एनालोगस ऑर्गेन ही होते, एडेप्टिव कन्वर्जेंस, ये भी करेक्ट है, एनालोगस ऑर्गेन के कारण ही, या कन्वर्जेंस एडेप्टिव कन्वर्जेंस है उसी के कारण एनालोगस ऑर्गेन्स डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स विद सेम एनाटोमी एंड डिफरेंट फंक्शंस, ये भी क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स विद सेम एनाटोमी एंड डिफरेंट फंक्शंस, ये इनमें इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन टाइप ऑफ एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, ये भी इसके लिए सही है, तो इनकरेक्ट जो है वो कौन सा होगा, इसके लिए इज नॉट रिलेटेड टू एनालोगस ऑर्गेन्स, तो एनालोगस ऑर्गेन्स से रिलेटेड कौन सा नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स विद सेम एनाटोमी एंड डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस इसमें नहीं होते, क्या होते हैं,
सेम फंक्शन होंगे, और सेम फंक्शन होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो डिफरेंट एंसेस्ट्री से आके किसी कॉमन हैबिटेट में आ जाते हैं, तो कॉमन हैबिटेट में आने के कारण उनके ऑर्गन्स सिमिलर फंक्शंस करना शुरू कर दे तो वो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये होमोप्लास्टिक ऑर्गन है, ये भी करेक्ट है, एडेप्टिव कन्वर्जेंस के कारण होते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सेकेंड जो थर्ड है वो इसके लिए इनकरेक्ट हो गए। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है? इनमें आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस, करेक्ट है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रसंभाव्य प्रक्रम है, जो अचानक से किसी जो है वो म्यूटेशन के कारण या किसी ऑर्गेनिज्म में चांस म्यूटेशन के कारण हो सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसी अचानक होने वाली किसी हैपनिंग के कारण, चांस इवेंट्स के कारण हो सकते हैं। तो ये इसके लिए इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में पहला दे रखा है इट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस, करेक्ट है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जो कभी भी हो सकता है, एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस, इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस विच बेस्ड ऑन चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड चांस इवेंट्स इन नेचर। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनकरेक्ट कौन सा है, इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स, ये भी करेक्ट है। इट इज बेस्ड ऑन चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है। इट इज ए प्रोसेस बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें हैं। इवोल्यूशन में अगर अर्थ पर लाइफ की बात करें तब तो इवोल्यूशन एक रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। अर्थ पर सबसे पहले जो है वो लाइफ की ओरिजिन की बात करें तो ये रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है, और अगर स्पीसीज की या पूरी डाइवर्सिटी की बात करें अर्थ पर, पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तब ये इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस भी है और प्रोसेस भी है। अगर लाइफ की ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, और अगर डिफरेंट लाइफ की ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट डाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट स्पीशीज कैसे इवोल्व हुई है, तो यह अपने आप में एक प्रोसेस है। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट है, इट इज ए प्रोसेस बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। तो ये रिजल्ट ऑफ प्रोसेस भी है और प्रोसेस भी है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें इसके लिए इनकरेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे चलें, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस किसको रिप्रेजेंट करती है? डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन को। एडेप्टिव रेडिएशन के कारण जो है वो क्या बनते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स बनते हैं। और तो एडेप्टिव रेडिएशंस, डाइवर्ज एंड इवोल्यूशन, होमोलॉजी एंड एनालॉजी, तो किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है भैया? डार्विन फिंचेज है वो इनमें से एनालॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। होमोलोगस ऑर्गन भी है, एडेप्टिव रेडिएशंस भी है, क्योंकि ओरिजिन सेम हो रही है, सारी बीक सेप की ओरिजिन सेम है। होमोलोगस भी है, एडेप्टिव रेडिएशंस भी है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग फीडिंग नेचर चेंज हुई, और फीडिंग नेचर के अकॉर्डिंग बीक शेप चेंज होती गई। तो एडेप्टिव रेडिएशंस भी है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है। कौन सा नहीं है? एनालॉजी जो है वो ये नहीं होती। एनालॉजी मतलब एनालोगस ऑर्गन नहीं है ये। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट डायनासोर विद 20 फीट हाइट एंड फियरसम डैगर लाइक टीथ। कौन सा डायनासोर था ये? सबसे लार्जेस्ट साइज का जो डायनासोर था वो इनके अंदर टायरेनोसोरस रेक्स था, जो 20 फीट की हाइट थी और डैगर लाइक टीथ थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द थ्योरी ऑफ लेमार्क। लेमार्क की थ्योरी में इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा? इसमें से पहला आप देखें, ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के जैसे सिमिलर होती है, ये करेक्ट है, ये इसके लिए एप्लीकेबल होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड इन ऑफस्प्रिंग्स, करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये भी करेक्ट है।
फाइलोजेनी इज रिपीटेड बाय ओंटोजेनी, ये इनकरेक्ट है। ये किसने दिया था? ये बताया था इसमें हिक्कल ने। ये हिक्कल की थ्योरी है जिसने ये बताया था कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। क्लियर आ तक? तो ये इससे रिलेटेड जो है वो नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखें। इफ ओनली फ्यू मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन कॉलोनाइज टू ए न्यू हैबिटेट इट कैन रिजल्ट। इसमें क्या दिया हुआ? इफ ओनली फ्यू मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन कॉलोनाइज टू ए न्यू हैबिटेट इट कैन रिजल्ट। किसका रिजल्ट है? यदि एक समष्टि के केवल कुछ सदस्य एक नए आवास में नई समष्टि बनाकर रहने लगते हैं तो इसका परिणाम हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसमें? ये फाउंडर इफेक्ट भी होगा और जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण भी होगा, बॉटलनेक इफेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होना चाहिए? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें होती है, फाउंडर इफेक्ट भी है। कुछ मेंबर्स जो है वो अलग जगह जाके रहने लग गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक नई कॉलोनी, एक नई पॉपुलेशन वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दी, तो फाउंडर इफेक्ट भी है और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट। एम्फीबियंस हैव इवोल्व प्रोबेबली फ्रॉम, एम्फीबियंस किन से इवोल्व हुए? लॉब्ड फिन फिशेज से ये इवोल्व हुए। जो सबसे पहले जो है वो इसके साथ साथ जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट के साथ साथ जो लैंड पर आ जा सकती थी वो स्टाउट फिन्स वाली जो लोबे फिन्स डेवलप हुई, उन लोबे फिन्स से एम्फीबिया इवोल्व हुए। तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा, लोब्ड फिन फिशेज या लोबे फिन फिशेज, जो सीलाकेंथ जो है वो सबसे पहले ये देखी गई थी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ पिस्टन बिटलेरिया इन इंग्लैंड। इससे पिस्टन बिटलेरिया से रिलेटेड जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है? डिक्रीज लाइकेन पॉपुलेशन इन देयर हैबिटेट, ये करेक्ट है। लाइकेन की पॉपुलेशन जो है वो इनके हैबिटेट में धीरे धीरे कम होती गई थी। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता गया। तो पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे लाइकेन जो है वो वहाँ से डिसअपियर होती गई। तो करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड है डिफरेंशियल प्रिडेशन ऑफ इंसेक्ट बाई बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो प्रिडेशन किया गया। नॉन रेंडम मैटिंग बिटवीन ब्लैक एंड वाइट मोथ, ये इसमें ये सही है, ये इसके लिए इनकरेक्ट है। फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड नहीं था कि नॉन रेंडम मैटिंग बिटवीन ब्लैक एंड वाइट इंसेक्ट। इंक्रीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी सही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा था। कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है? थर्ड जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, नॉन रेंडम मैटिंग बिटवीन ब्लैक एंड वाइट इंसेक्ट। क्लियर? थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 60 में। द मैन विद ए ब्रेन साइज ऑफ लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। अब यहां आपको केवल एक प्रॉपर जो है वो उसका क्लू दे रखा है कि कौन सा मैन हो सकता है, नियंडरथल मैन। क्यों? नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया इसकी बात कर रहा है। इट मीन्स किसकी बात हो रही है? नियंडरथल मैन की। इट मीन्स ये नियंडरथल मैन हो गया। क्लियर? तो द मैन विद ए ब्रेन साइज, ब्रेन साइज कितनी थी? नियंडरथल मैन की जो ब्रेन साइज थी वो 1400 cc क्रेनियल कैपेसिटी थी। ईस्ट नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 lakh to 40,000 years back। तो 1 lakh to 40,000 years back करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ही हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है? यहाँ केवल एक हैबिटेट दिया हुआ है कि कहाँ रहता था, उसके बेस पे पहले सबसे पहले आपको उस ह्यूमन को, उस ह्यूमन रेस को आइडेंटिफाई करना है कि किसकी बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रह रहा था, इसका मतलब ये नियंडरथल की बात हो रही है। क्लियर आ तक? नियंडरथल की बात हो रही है तो नियंडरथल मैन के अंदर क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1400 cc थी। क्रोमैग्नन मैन की इससे ज़्यादा थी, उनकी 1600 cc थी। और ये कितने टाइम पहले थे? 1 lakh to 40,000 years back जो है वो ये उस टाइम अर्थ पे हुआ करते थे। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी कंसीडर द इवोल्यूशन एज, अभी आपको बताया था, पीछे भी क्वेश्चन आया था उसी में डिस्कस किया था हमने कि अगर हम अर्थ पर लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब करें कि फर्स्ट टाइम लाइफ अर्थ पर कैसे इवोल्व हुई, तो इवोल्यूशन उस कंडीशन में क्या है, एक रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। तो करेक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, कंसिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस, यानी रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रोसेस नन ऑफ दीज, कंसिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस। तो ये एक प्रक्रम का परिणाम या उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। क्लियर यहां तक, सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो हैव एडिबल पार्ट्स विच आर, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दोनों क्या है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है और स्वीट पोटैटो ये रूट का मॉडिफिकेशन है, तो दोनों ओरिजिन में डिफरेंट है, बट फंक्शन दोनों का क्या है, फूड स्टोरेज करना। पोटैटो भी फूड स्टोरेज कर रहा है एडिबल पार्ट उसका, और स्वीट पोटैटो है वो भी फूड स्टोरेज कर रहा है, तो दोनों में फंक्शन सेम है बट दोनों के अंदर ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है। एक की ओरिजिन क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन, दूसरा जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है। ओरिजिन डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो, इट मीन्स एनालोगस ऑर्गेन। तो क्या होगा ये एनालोगस ऑर्गेन होंगे, इसमें आगे दे रखा है होमोलोगस एनालोगस इंट्रोडक्शन टू स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, गलत है, क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा बोथ आर एनालोगस ऑर्गेन। क्लियर, समझ में आ गई बात। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, बेसिक आइडियाज ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन का बेसिक आइडियाज है वो क्या होता है, डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन, रूपांतरण के साथ अवतरण होना या किसी वेरिएशंस के साथ नई स्पीशीज का आना, वही इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसे कहेंगे, किसी भी नई वेरिएशंस के साथ जो है वो नई जनरेशन आ रही है वो इवोल्यूशन है। क्लियर यहां तक, तो करेक्ट आंसर जो है वो उसके साथ, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन या रूपांतरण के साथ अवतरण, नए चेंजेस के साथ या वेरिएशंस के साथ न्यू स्पीशीज का अराइज होना। द फॉसिल्स आर मेनली प्रिजर्व इन, किस तरह की रॉक्स में प्रिजर्व होते हैं फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रिजर्व होते हैं, समझ में आ गई, सेडिमेंट्री रॉक्स है वो एक के ऊपर एक सेडिमेंट बनते हैं, उनके अंदर इनके कोई भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स प्लांट्स है उनके फॉसिल्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो कौन सी में करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज रिड्यूसिंग, कैसा था, अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन जब हुई थी उस समय, उस टाइम अर्थ का एनवायरनमेंट जो था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, जिसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, उस टाइम केवल हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन होती थी, ऑक्सीजन नहीं थी, अगर फ्री ऑक्सीजन होती तो वो हाइड्रोजन के साथ इंटर रिएक्ट करके और वाटर वेपर बना लेती थी, तो फ्री ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कैसा था, ओनली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो है उस टाइम पे रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द थ्योरी ऑफ थ्योरी विच एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला, इट वॉज प्रपोज बाई एबे लेमेत्रे, गलत है, एबे लेमेत्रे ने कौन सा प्रपोज किया था, एबे लेमेत्रे ने बताया था बिग बैंग थ्योरी दी थी जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रही है, ओरिजिन ऑफ अर्थ को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, तो क्या आगा, ये इनके अंदर जो है वो इनकरेक्ट हो गया। इट वॉज प्रपोज बाई कांट एंड लाप्लास, ये करेक्ट है, जिसने सोलर नेबुला के बारे में बताया था
और उसी सोलर नेबुला का पार्ट जो है वो क्या है, अर्थ है। तो सोलर नेबुला की जो हाइपोथेसिस जो थी वो किसने बताई थी, कांट एंड लाप्लास ने, और उस सोलर नेबुला का पार्ट जो है वो अर्थ है, जो पूरे यूनिवर्स की एक जो है वो क्या होती है, एक स्पेक जो है उसका एक कण मात्र है। तो इनके अंदर नेक्स्ट है, इट वॉज प्रपोज बाई कांट एंड लाप्लास, करेक्ट है। अर्थ इज अबाउट 4,500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी इट मीन्स 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो ये भी करेक्ट होगी। अर्थ वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ सोलर नेबुला, सोलर नेबुला के कंडेंसेशन से जो है वो अर्थ इवोल्व हुई थी। जब टेम्परेचर डाउनफॉल हुआ, उस टेम्परेचर के डाउनफॉल होने के कारण या उसके कंडेंस्ड होने के बाद उसका एक पार्ट जो है वो अर्थ के रूप में इवोल्व हुआ, जो यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का एकमात्र कणिका के रूप में थी। क्लियर आ तक? तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट, ये फोर्थ स्टेटमेंट भी इसके लिए करेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग पूछा क्या आपने को, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन से हैं, बी सी और डी है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ए को छोड़कर बाकी सारे करेक्ट है, तो बी सी डी सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट इवोल्यूशन के बारे में देखें तो यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 मिलियन ईयर्स एगो, इनकरेक्ट हो गया। क्या दे रखा है, यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 मिलियन ईयर्स एगो, 20 मिलियन ईयर्स एगो नहीं है, क्या होना चाहिए, 20 बिलियन ईयर्स एगो होता है। तो पहला इनकरेक्ट है। बी है, यूनिवर्स इज फॉर्म्ड बाई ए गैलेक्सी नॉन एज मिल्की वे, ये भी इनकरेक्ट है। यूनिवर्स नहीं बना है मिल्की वे गैलेक्सी से, यूनिवर्स का पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी है, वो भी अपने आप में यूनिवर्स का एक पार्ट है, और उस मिल्की वे गैलेक्सी से अर्थ की ओरिजिन हुई है, ना कि यूनिवर्स की, इससे अर्थ अराइज हुई है, इससे यूनिवर्स की ओरिजिन नहीं हुई है। तो क्या आना चाहिए, ये भी इसके लिए इनकरेक्ट हो गया। सी है, कंसीडरिंग साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड ए स्पेक, ब्रह्मांड के आकार की तुलना में अगर आप देखें तो पृथ्वी अपने आप में उसकी एकमात्र कणिका है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ये भी इनकरेक्ट है। सोलर सिस्टम की ओरिजिन जो है वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं थी। ये किसने एक्सप्लेन किया था, सोलर सिस्टम या सोलर नेबुला को जो एक्सप्लेन किया था वो किसने एक्सप्लेन किया था, वो कांट एंड लाप्लास ने किया था। बिग बैंग थ्योरी में कहीं भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ये भी इनकरेक्ट है। इनमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट अबाउट इवोल्यूशन, तो करेक्ट अबाउट इवोल्यूशन ओनली सी, केवल सी जो है वो इसके लिए करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। क्लियर? चले नेक्स्ट। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जिसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, यहां भी करेक्ट मैच के बारे में दिया हुआ है कि करेक्ट मैच आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट मैच इनमें से कौन सा है। डिवोनियन पीरियड ओरिजिन ऑफ जोले स्पीशीज, इनकरेक्ट हो गया। कार्बनीफेरस पीरियड ये एज ऑफ एम्फीबियंस, ये करेक्ट है। इसके लिए एम्फीबिया का जो इवोल्यूशन हुआ है या एम्फीबिया जो सबसे ज्यादा इवोल्व हुए हैं वो कौन से पीरियड में हुए, कार्बनीफेरस पीरियड में ये सबसे ज्यादा इवोल्व थे। ट्रायसिक पीरियड एज ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स, ये गलत हो गया। जाइंट रेप्टाइल्स के लिए कौन सा था, जुरैसिक पीरियड जो था वो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इवोल्व थे डायनासोर्स जो थे वो जुरैसिक में हुए थे। क्रिटेशियस पीरियड एज ऑफ मैमल्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया। कौन से में होता है, एज ऑफ मैमल्स जो है वो जनरली किसको मानते हैं, सीनोजोइक एरा के क्वार्टनरी टर्शियरी पीरियड को मानते हैं। क्लियर आ तक? तो ये भी इनके अंदर जो है वो क्या जाएगा, ये इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट जो है वो इनमें से कौन सा है, सेकंड जो है वो इसके लिए करेक्ट मैच हो गया। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, द डाइवर्सिटी विद इन द
within the wild bird species in the diagram below can be explained by which process? ये कौन से process से explain हो रही है? इसमें डार्विन फिंचेज का दे रखा सारा, तो डार्विन फिंचेज में आप देख सकते हो कि इनके अंदर ये कॉमन एंसेस्टर्स जो है इनसे खूब सारी अलग अलग टाइप की जो है वो बीक शेप वाली फिंचेज है वो इवोल्व हुई। इनमें किसको एक्सप्लेन करी है? नेचुरल सिलेक्शन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एडेप्टिव रेडिएशंस, बोथ फर्स्ट एंड थ्री, इन दोनों को ये एक्सप्लेन कर रही है, नेचुरल सिलेक्शन को भी और एडेप्टिव रेडिएशंस को भी। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? बोथ फर्स्ट एंड थ्री, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? दोनों को शो कर रही है, नेचुरल सिलेक्शन भी है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन भी है। क्लियर? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ए एंड बी एंड सेलेक्ट द आंसर्स फ्रॉम गिवन कोड्स। क्यूवियर ने जो है वो कौन सी थ्योरी दी थी? क्यूवियर ने दी थी कैटेस्ट्रोफिज्म थ्योरी। क्यूवियर की थ्योरी है वो कौन सी है? कैटेस्ट्रोफिज्म थ्योरी। तो इसके साथ फोर्थ आएगा। एरिनियस ने कौन सी थ्योरी दी थी? पैन स्पर्मिया थ्योरी। एरिनियस ने पैन स्पर्मिया थ्योरी दी थी, थर्ड सही है। लुइस पाश्चर ने इसने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बताया था? इन्होंने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नई लाइफ अराइज होती है, तो इन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी दी थी। डार्विन इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया थ्योरी, ये डार्विन ने दी थी। समझ में आ गई कि जेनेटिक कैरेक्टर अगली जनरेशन में किसके थ्रू ले जाए जाते हैं, उसके लिए डार्विन ने एक पैन स्पर्मिया थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं या स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो सारे ऑर्गेन्स की माइक्रो फॉर्म ये गैमिट में चले जाते हैं और गैमिट के थ्रू वो अगली जनरेशन में इनहेरिटेंस कर जाते हैं। क्लियर आ तक? उसको क्या नाम दिया इन्होंने? पैन स्पर्म का नाम दिया था। तो ये इनमें पैन स्पर्मिया थ्योरी, सॉरी पैन जेनेसिस थ्योरी, एक मिनट भी इसमें यहाँ जो है वो थोड़ा सा इसको सही करें। एक तो सबसे पहले जो है वो इनमें क्यूवियर है। क्यूवियर ने कौन सी थ्योरी दी थी इनमें? क्यूवियर ने दी थी थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म, ये दी थी क्यूवियर ने। एरिनियस ने दी थी इसमें पैन स्पर्मिया थ्योरी, एरिनियस ने पैन स्पर्मिया थ्योरी, ये पेनजेनेसिस थी। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी कि वो कोई भी ऑर्गेन है उनके माइक्रोफॉर्म जो है उसमें गैमिट के अंदर वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ये थ्योरी दी थी पेनजेनेसिस थ्योरी। जो किसने दी थी? डार्विन ने। तो डार्विन ने दी थी पेनजेनेसिस थ्योरी और लुइस पाश्चर ने दी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ए के साथ फोर्थ आएगा, तो ए के साथ फोर्थ, बी के साथ सेकंड, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ थर्ड। तो क्या आना चाहिए? ये इसमें सेकंड में आ जाएगा, फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ थर्ड। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये ध्यान रखें, पैन जेनेसिस थ्योरी है वो डार्विन ने दी थी और पैन स्पर्मिया थ्योरी ये एरिनियस ने दी थी, कि पैन स्पर्म के रूप में या सर्व बीजाणु के रूप में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जो है वो लाइफ आती है और वो एक न्यू लाइफ की फॉर्म में अराइज हो जाती है। क्लियर? तो ये इनमें सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मिलर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। समझ गए भी? सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन देखें तो उसमें आप उसकी अप्रोच देख लें कि नेगेटिव अप्रोच पे है या वो पॉजिटिव अप्रोच पे है। तो क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है, मिलर ऑब्टेंड ग्लूटेमिक एसिड लाइक एमिनो एसिड इन हिज एक्सपेरिमेंट। इनकरेक्ट पहला ही हो गया, ग्लूटेमिक एसिड के बारे में इन्होंने ग्लूटेमिक एसिड को ऑब्टेन नहीं किया था। कौन से अमीनो एसिड को ऑब्टेन किया था? ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन। सबसे पहले जब मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें इन्होंने केवल ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड जैसे अमीनो अम्लों को देखा था, ग्लूटेमिक एसिड को इन्होंने नहीं देखा था। तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आ तक?
अब आगे आप देखते रहें, बाकी जो है वो इसमें पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 72, अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस रेफर्स टू, डार्विन ने फिटनेस कौन सी फिटनेस को माना था, डार्विन ने फिटनेस में जो है वो कौन सी फिटनेस ली थी कि जो बेटर फिट होते हैं उनको नेचर सेलेक्ट करती है। ये बात डार्विन ने बताई थी कि जो नेचर में बेटर फिट होते हैं उनको नेचर सेलेक्ट कर लेती है, इट मींस वो ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब फिटनेस किससे रेफर किया इन्होंने, फिटनेस को रिप्रोडक्टिव फिटनेस से लिया इन्होंने, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस इसके लिए करेक्ट आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 73, ए साइंटिस्ट वर्किंग ऑन मलय आर्किपेलेगो, मलय आर्किपेलेगो पर काम करने वाला जो साइंटिस्ट था जिन्होंने सेम कंक्लूजन लिए थे जो कि डार्विन को मिले थे, कौन सा साइंटिस्ट था, ए आर वेलेस। तो ए आर वेलेस जो था वो इसका साथ का ही उसी टाइम का जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे जो डार्विन ने अपने रिजल्ट देखे थे उनके आसपास वही रिजल्ट जो है वो वेलेस ने देखे थे। इन्होंने पर्टिकुलर जो मलय आर्किपेलेगो आइलैंड था जिसको आज हम इंडोनेशिया कहते हैं, उस इंडोनेशिया या मलय आर्किपेलेगो आइलैंड पर जो है वो इन्होंने डिफरेंट डाइवर्सिटी की स्टडी की थी, अलग अलग एनिमल स्पीसीज की वहाँ इन्होंने स्टडी की और उन्होंने देखा कि उनके अंदर किस तरीके से नई स्पीसीज अराइज होती है, वो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू डार्विनियन थ्योरी उसके अकॉर्डिंग अराइज होती है। तो वो वही सिमिलर रिजल्ट पर पहुंचे थे जिस पर डार्विन पहुंचे थे। तो कौन सा साइंटिस्ट था, ए आर वेलेस थे, क्लियर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके आगे नेक्स्ट, द गिवन डायग्राम ऑफ मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, तो कौन सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में अलग अलग स्पीशीज जो है वो इनके अंदर इवोल्व होती गई अलग अलग हैबिटेट में जाने के बाद, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट 75, कंसिडर अबाउट द फॉलोइंग एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो घोड़े के विकास में या हॉर्स के इवोल्यूशन में अगर करेक्ट सिक्वेंस देखें तो सबसे पहले जो घोड़ा इवोल्व हुआ था वो कौन सा हुआ था, इनमें इओइपस, सबसे पहले जो इवोल्व हुआ वो इओइपस हुआ था, यानी सबसे फर्स्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, इओइपस को। उसके बाद मिजोइपस आया, मिजोइपस के बाद मेरिचिपस आया, मेरिचिपस के बाद प्लियोइपस और प्लियोइपस के बाद लास्ट जो आया वो आया इक्वस, ये पांच नंबर पे इक्वस, आज के टाइम जो है वो कौन सा है, इक्वस है। तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इओइपस, बी उसके बाद मिजोइपस, डी उसके बाद मेरिचिपस, सी और उसके बाद प्लियोइपस, ए। तो क्या आना चाहिए, बी डी सी ए, तो बी डी सी ए, बी डी सी ए फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा, तो बी डी सी ए, पहले इओइपस, मिजोइपस, मेरिचिपस और प्लियोइपस और इसके बाद इक्वस, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद द गिवन फिगर शोज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। तो थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों के अंदर ओरिजिन किससे, एक्सियल बड से दोनों की ओरिजिन है। कुकुरबिटा के अंदर जो टेंड्रिल्स है वो भी किससे इवोल्व होते हैं, ये टेंड्रिल्स है वो इवोल्व होते हैं इनके एक्सियल बड से, थॉर्न जो इवोल्व हो रहे हैं इनमें बोगेनविलिया में वो एक्सियल बड से है, तो ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। इसके अंदर ये थॉर्न किस काम में होंगे, प्रोटेक्शन के लिए, इसमें जो टेंड्रिल्स होंगे वो इसकी क्लाइंबिंग के लिए। तो ओरिजिन दोनों की एक्सियल बड से है, फंक्शन दोनों के डिफरेंट है, कैसा ऑर्गेन है, होमोलोगस ऑर्गेन होगा।
तो क्या आ जाएगा इनमें? होमोलोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो होमोलोगस ऑर्गन जो भी होगा वो किसको शो करेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे। तो क्या आना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। होमोलोगस ऑर्गन है और किसको शो कर रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इनमें? फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ ऑर्गन्स विच डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इनके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ ऑर्गन, नॉट ए सेट ऑफ ऑर्गन विच डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से अगर डेवलप हो रहे हैं तो क्या कहेंगे? कौन से ऑर्गन? एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन है वो क्या होते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण इवोल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब इनमें ये बताना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ द ऑर्गन्स, यानी एनालोगस ऑर्गन का सेट इनमें से कौन सा नहीं है। क्लियर? पहला आप देखें, स्टिंग एपरेटस ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, दोनों एनालोगस है, दोनों ही क्या काम कर रहे हैं? दोनों प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन दोनों की डिफरेंट है। क्लियर? तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। आईज ऑफ, फर्स्ट स्टेटमेंट इसके लिए सही है, आईज ऑफ लोलीगो एंड ऑक्टोपस, ये भी क्या है? इसमें आईज ऑफ लोलीगो एंड ऑक्टोपस, उसके बाद ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो रूट, ये भी कैसे है? ये भी इसके लिए करेक्ट है, एनालोगस है, दोनों सेम फंक्शन कर रहे हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये भी दोनों सेम फंक्शन कर रहे हैं। आईज ऑफ लोलीगो एंड ऑक्टोपस, ये कौन से हो गए? आईज ऑफ लोलीगो एंड ऑक्टोपस दोनों ही मोलस्क है, तो दोनों मोलस्क है, तो ये क्या है? होमोलोगस ऑर्गेन है, तो ये इसको एनालोगस को या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। क्लियर यहाँ तक? तो क्या आना चाहिए इसमें जो है वो करेक्ट आंसर? सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसमें नेक्स्ट देखें, इसमें दिया व्हाट वाज द रेशियो ऑफ अमोनिया मिथेन एंड हाइड्रोजन इन एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर। मिलर के एक्सपेरिमेंट में अमोनिया मिथेन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है? तो इनके अंदर मिथेन और इसका रेशियो जो होगा, अमोनिया जो है वो सबसे कम होती है इनमें, इन दोनों से हाफ होती है, तो 1:2:2 ये होता है, जिसके अंदर अमोनिया जो होती है वो मिथेन और हाइड्रोजन दोनों से हाफ अमाउंट में जो है वो अमोनिया होती है, तो 1:2:2 का रेशियो होगा। क्या आना चाहिए इसमें? करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा, 1:2:2 ये इसका रेशियो हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 79 है, इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इफ द ए एनिमल्स आर 36%, ए एनिमल्स कितने हैं? 36% ए एनिमल है, इट मीन्स कौन से हो गए? रेसेसिव एलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ए की वैल्यू जो आ रही है 36% है, ये इंडिविजुअल 36% है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2pq, 2pq की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 2pq की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इट मीन्स क्या निकालना अपने को? हेट्रोजाइगस की वैल्यू निकालनी है, तो ए इसकी कितना है? 36% है, इट मीन्स किसकी वैल्यू है? q स्क्वायर इज इक्वल टू है 36, q इज इक्वल टू क्या जाएंगे? √36, इट मीन्स 6%, क्यों क्या आ गया? 6 आ गया, और p जो है वो क्या जाएगा? 6 का मतलब 0.6, और p क्या आ जाएगा? 1-0.6 इज इक्वल टू 0.4। क्लियर यहाँ तक? ये आ गया 0.4, और वैसे अगर परसेंटेज में लें इनको तो क्या है ये 6 और ये 4, उसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे तो आपने को
किसकी वैल्यू निकालनी है, हेट्रोजाइगस की, 2PQ की, तो 2 इंटू 6 इंटू 4 तो कितने आएंगे, 48% जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगी, 2PQ की वैल्यू जो है वो क्या इनमें 48% आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग है जो आपके जेनेटिक्स में भी आता है और इसमें भी आता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, सेलेक्ट एन ओड सेट ऑफ ऑर्गन्स, इनमें से ओड सेट को सेलेक्ट करना है, इनमें से विषम को सेलेक्ट करना है। पहला इसमें आप देखें दिया हुआ है थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो क्या होगा इनमें, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, कौन से ऑर्गेन है, होमोलोगस ऑर्गेन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये एनालोगस ऑर्गेन। हार्ट ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन हेड, ये होमोलोगस ऑर्गेन। ब्रेन ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, ये होमोलोगस ऑर्गेन। तो इनमें से ओड वन को सेलेक्ट करना है, तो ओड वन को सेलेक्ट करने के लिए जो है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा पेंगुइन के और डॉल्फिन के फ्लिपर्स। ये क्या है, एनालोगस ऑर्गेन है और बाकी सारे जो हैं वो होमोलोगस ऑर्गेन है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड ऑप्शन जो है वो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आप देखें 81 में दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ थ्योरी एंड रिलेटेड साइंटिस्ट, इनमें से साइंटिस्ट से रिलेटेड थ्योरी जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, कौन सी इनमें से करेक्ट थ्योरी है। पहली है वीजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस जर्म प्लाज्म, ये सही है। वीजमैन ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, ये करेक्ट थ्योरी है। डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण नई स्पीसीज के ओरिजिन को इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने बताया था कि वेरिएशन तो आती हैं, लेकिन वो वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शनल वेरिएशन आती हैं जो इनके अंदर रिकॉम्बिनेशंस के कारण आती हैं। क्लियर आ तक। तो डार्विन ने ये नहीं बताया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तक तो सही है, लेकिन एनवायरमेंटल इफेक्ट वाला जो है वो बताया था लेमार्क ने। उसके बाद डीवरीज नेचुरल सिलेक्शन, ये भी इनकरेक्ट है, डीवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। मेंडल थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, ये भी गलत है, पेनजेनेसिस थ्योरी डार्विन ने दी थी। क्लियर। तो ये इनके अंदर जो है वो इनमें से करेक्ट मैचिंग जो है वो आपको देखनी है। तो करेक्ट मैचिंग वाला जो है वो क्या होना चाहिए, वीजमैन जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखें 82, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 82, इसमें दिया हुआ है द डायग्राम बिलो शोज फोर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दैट इवोल्व फ्रॉम एन एंसेस्टर स्पीसीज दैट हैड ए स्मॉल पॉइंटेड बीक टूडे, ऑल फोर स्पीसीज इनहैबिट्स द सेम आइलैंड। इनके अंदर सीधा सीधा जो है वो आप में क्या पूछा, वो डार्विन फिंचेस वाला दे रखा है, जो एक तरह की बर्ड थी, अलग अलग हैबिटेट में जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट बीक शेप बन गई। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन द बीक्स ऑफ दीज फोर स्पीसीज, इन चारों स्पीसीज में बीक की शेप में जो चेंजेस आए या वेरिएशंस आए उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट को या बेस्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। पहला है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओवर द टाइम एन अबेंडेंस ऑफ सीड्स फॉर फूड लेड टू इंक्रीज सिमिलरिटीज बिटवीन द स्पीसीज, ये गलत है, सिमिलरिटीज डेवलप नहीं हुई और अबेंडेंट जो है वो सीड्स भी वहाँ पे नहीं थे। अबेंडेंट सीड्स होते हैं तो सारे के सारे सीड ईटरी बने रहते हैं, चेंज आता ही नहीं उसमें। क्लियर। सेकंड दे रखा है, ओवर द टाइम के साथ साथ एन अबेंडेंस ऑफ सीड्स फॉर फूड लेड टू इंक्रीज डिफरेंसेज बिटवीन द स्पीसीज, ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इनके अंदर अबेंडेंट जब तक सीड्स का रहेगा तब तक इनमें कोई कंपटीशन या कोई नए वेरिएशंस आने की चांसेस ही नहीं रहेंगे। क्लियर। उसके बाद है, कंपटीशन ऑफ लिमिटेड फूड रिसोर्सेज लेड टू सेलेक्शन फॉर सिमिलर ट्रेट्स, कंपटीशन फॉर लिमिटेड फूड रिसोर्सेज लेड टू सेलेक्शन फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, ये भी सिमिलर ट्रेट्स का जो है वो सेलेक्शन भी नहीं करवाया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स बनी। इसका मतलब करेक्ट जो है वो क्या होगा,
कंपटीशन होता गया लिमिटेड फूड रिसोर्सेज के कारण, बीज जो है वहां पे कम सीड होने के कारण एबंडेंट होते हैं, तब तो इनमें नई वेरिएशंस आती ही नहीं। सीड्स जो है वो वहाँ पे कम होते गए, और कम होते हुए सीड्स के कारण या फूड जो है उनके फूड कंटेंट के कम होते रहने के कारण इनमें कंपटीशन बढ़ता गया, और उस कंपटीशन के कारण उनमें कुछ वेरिएशंस आई, जिसके कारण से सीड ईटर में से ही कुछ जो है वो वुड पैकर हो गई, कुछ फ्रूट ईटर हो गई, कुछ इनके अंदर इंसेक्टिवोरस हो गई। ऐसे इनके अंदर धीरे धीरे जो है वो फीडिंग नेचर चेंज किया, और उस नेचर के कारण, उस चेंज फीडिंग नेचर के कारण इनकी बीक की शेप में चेंजेस या वेरिएशन आते गए। क्लियर आंसर? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, फोर्थ आंसर इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। क्लियर आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्थ। आगे चलें, नेक्स्ट है 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो मानव द्वारा किया गया हो, चेंजेस किया गया हो, जिसके कारण से नई वेरिएशन आके नई स्पीसीज इवोल्व हुई हो। तो इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है, ये फोर्थ हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक जिराफ इन अफ्रीका। बाकी ध्यान आपको डीडीटी रेसिस्टेंट वेराइटी का डेवलप होना, एंटीबॉडी रेजिस्टेंट वेराइटी का डेवलप होना, और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी का डेवलप होना, ये सारे के सारे एंथ्रोपोजेनिक है, लेकिन ये एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन नहीं था। तो चौथा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट, कंसिडर अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द एनालोगस ऑर्गेन। एनालोगस ऑर्गेन के बारे में जो है वो इनमें से क्या देखना है, इसके लिए जो है वो करेक्ट पॉइंट जो है वो आपको बताना है कि एनालोगस ऑर्गेन कौन कौन से इसको, तो इसमें विच ऑफ दीज आर करेक्ट अबाउट द एनालोगस ऑर्गेन। एनालोगस ऑर्गेन के बारे में जो है वो करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला है, दीज डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। करेक्ट है, एनालोगस ऑर्गेन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण ही इवोल्व हुए हैं। दीज डेवलप ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये गलत है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण कौन से इवोल्व हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स इवोल्व हैं। उसके बाद है, दीज डेवलप इन एनिमल्स हैविंग डिफरेंट एंसेस्ट्री। दीज डेवलप इन एनिमल्स हैविंग डिफरेंट एंसेस्ट्री। दीज डेवलप टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो भी होमोलोगस है। दीज डेवलप इन एनिमल्स हैविंग डिफरेंट एंसेस्ट्री। डिफरेंट एंसेस्ट्री से डेवलप हो रहे हैं, और किसी एक ही जगह आने के बाद एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कॉमन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, तब वो एनालोगस ऑर्गन होते हैं। क्लियर आ तक? तो ये इनमें ए सही है और सी सही है इसके लिए, तो ए एंड सी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। सेलेक्ट द प्रोसेस बाय विच मैन हैज ऑब्टेंड मैनी ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फूड एंड सिक्योरिटी। ये अपने आप में क्या भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, ये जब मैन ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो कई तरह की हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पर्पज से और अपने डोमेस्टिकेशन के पर्पज से जो है वो कई एनिमल्स को पाल के उनकी ब्रीड्स को डोमेस्टिकेट कर लिया, और कई तरह की प्लांट्स की वैरायटी जो है वो ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू तैयार कर ली, तो ये अपने आप में क्या था, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू जो है वो इन्होंने करवाया। ये सारा कब पॉसिबल हुआ है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के कारण जो है वो ये चीज़ें पॉसिबल हुई है। क्लियर आ तक? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिंग लिंक इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स रिलेटेड ग्रुप। इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रही है, नॉट करेक्टली मैच दिया हुआ है, तो नॉट करेक्टली मैच में नियोपिलाइना, ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के, ये एनेलिडा और मोलस्का के बीच कनेक्टिंग लिंक सही है। पेरीपेटस है वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिंग लिंक है, सही है दोनों। टेरोस, ये प्रोटेरोस्पंजिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पोरीफेरा एंड निडेरिया, ये गलत है। किस किस के बीच कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा।
स्पंजिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो ये प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के बीच कनेक्टिंग लिंक होती है वो था प्रोटेरोस्पंजिया। तो तीसरा गलत है काइमेरा, ये कार्टिलेजिनस और बोनीफिस के बीच कनेक्टिंग लिंक है, सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो करेक्ट कौन सी मैचिंग नहीं है, थर्ड जो है उसके लिए करेक्ट नहीं है। क्लियर आ तक समझ में आ गई बात। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, इनमें से कौन सा एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल का मतलब होमोलोगस ऑर्गेन या इसके साथ साथ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही है। उसके बाद इज नोट पूछा है कौन सा नहीं है, इवोल्यूशन ऑफ बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड फॉर एरियल हैबिटेट, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ये क्या है, इनके अंदर हमिंग बर्ड में और बटरफ्लाई के अंदर जो दोनों के अंदर सेम तरह के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, सेम जो है वो विंग्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, वो क्या है, एनालोगस ऑर्गेन है जो किसको शो करते हैं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं करते, तो ये नहीं होगा। इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेंटल मैमल्स, ये भी खूब सारे अलग अलग टाइप के जो है वो प्लेसेंटल मैमल्स का इवोल्यूशन है, वो भी अपने आप में एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो सेकंड जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। क्लियर आ तक, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समटाइम्स ए न्यूबॉर्न बेबी में हैव ए स्मॉल टेल, दिस टेल इज नोन एज, टेल का पाया जाना अचानक किसी बच्चे के अंदर, टेल का पाया जाना जो है वो क्या उसका एटाविस्टिक कैरेक्टर है, इसको क्या कहेंगे, एटाविस्टिक कैरेक्टर। तो ये इनमें करेक्ट आंसर जो है वो उसका क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर जो है वो उसका हो जाएगा एटाविस्टिक कैरेक्टर। ये दे रखा है रिवर्जन, रिवर्जन भी अपने आप में हो सकता है लेकिन ये कैरेक्टर अगर वो है तो रिवर्जन होगा। और पूछा क्या है, समटाइम्स ए न्यूबॉर्न बेबी में हैव ए स्मॉल टेल, तो स्मॉल टेल उसके अंदर आ रही है तो टेल का पाया जाना या इस पूंछ को क्या कहते हैं, तो पूंछ को क्या कहेंगे, वो उसका एटाविस्टिक कैरेक्टर है, वो उसके पूर्वजता का लक्षण है। तो ये एटाविस्टिक कैरेक्टर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो उसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां आप देखें दिस टेल इज नोन एज ये दिया हुआ है, ना कि दिस कैरेक्टर या दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, ये नहीं दे रखा कि प्रॉपर्टी क्या होती है। अचानक पूर्वजता के लक्षणों का आ जाना, अचानक एंसेस्टर्स के कैरेक्टर का अगली जनरेशन में आ जाना, वो होता है एटाविज्म, उसको क्या कहते हैं, एटाविज्म या रिवर्जन। तो अगर उस कैरेक्टर की बात करते तो वो एटाविज्म या रिवर्जन होता, लेकिन क्या दिया, डायरेक्ट पूछा है दिस टेल इज नोन एज, इस टेल को क्या कहेंगे जो आ रही है, वो क्या है, एटाविस्टिक कैरेक्टर है, वो पूर्वजता का लक्षण आ रहा है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, एटाविस्टिक कैरेक्टर। क्लियर। उसके बाद 89, हु प्रपोज दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये बात किसने बताई थी, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने बताई थी, लेमार्क ने, एनसीईआरटी में दे रखा है, फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क ने इस बात को प्रपोज किया था। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, लेमार्क होगा, लेमार्क पहले में दे रखा है इंग्लैंड का साइंटिस्ट और चौथे में दे रखा है फ्रेंच साइंटिस्ट, तो फ्रांस का साइंटिस्ट था ये, तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार लेमार्क नाम देख दिया, लेमार्क नाम देखते ही फर्स्ट पे टिक लगा दिया, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब कहाँ का है, फ्रांस का साइंटिस्ट है ये लेमार्क, जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। क्लियर। आगे देखें, नेक्स्ट 90,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट फॉर होमो इरेक्टस, इनमें से होमो इरेक्टस के लिए कौन से जो है वो इसके लिए करेक्टर जो है वो इसके लिए फीचर्स जो है वो करेक्ट है। तो इनमें करेक्ट फीचर्स जो है वो होमो इरेक्टस के लिए बताने हैं आपको। तो होमो इरेक्टस में सबसे पहले क्या दिया हुआ, हैड ए लार्ज ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 cc, करेक्ट है। सेकंड दे रखा है प्रोबेबली एट मीट, ये भी करेक्ट है, मीट खाता था। अपीयर्ड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, ये भी करेक्ट है। इवोल्व फ्रॉम होमो हैबिलिस, ये भी करेक्ट है, ये होमो हैबिलिस से इवोल्व हुआ था, कार्निवोर्स था जो मीट खाता था और फायर का यूज करता था अपने मीट को रोस्टेड करने के लिए, और 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी और 1.5 मिलियन ईयर्स एगो इवोल्व हुआ था। तो ए बी सी डी चारों ही सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट 91 में द गिवन बोन्स इन द फोर लिम्स ऑफ थ्री मैमल्स फिगर शोज, किस चीज़ को शो करते हैं ये इनके अंदर जो है वो इनकी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। तो ये फॉर दीज मैमल्स द नंबर पोजिशन एंड शेप ऑफ द बोन्स मस्ट लाइकली इंडिकेट्स दैट दे मे हैव, क्या शो करते हैं ये कि सारे इनके एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन रहे होंगे। इट मीन्स किसको बता रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गेन को बता रहे हैं। तो होमोलोगस ऑर्गेन है तो इनके एंसेस्टर्स कॉमन रहे होंगे, डेवलप्ड इन ए कॉमन एनवायरमेंट, गलत है। उसके बाद डेवलप्ड फ्रॉम, तो पहला दे रखा है डेवलप्ड इन ए कॉमन एनवायरमेंट, ये रॉन्ग हो गया, डेवलप्ड फ्रॉम द सेम अर्लियर स्पीशीज। उसके बाद आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, आइडेंटिकल मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, तो क्या आना चाहिए, सेकंड जो है वो उसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होंगे, सेम अर्लियर स्पीशीज, यानी इनके एंसेस्टर्स जो है वो किसी टाइम सेम रहे हैं, तो ये होमोलोगस ऑर्गन हो गए। क्लियर यहाँ तक। करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें, 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की बेसिक यूनिट जो है वो हम किसको मानते हैं, पॉपुलेशन को। इवोल्यूशन की बेसिक यूनिट क्या होती है, एक पॉपुलेशन जो है वो इसकी बेसिक यूनिट मानते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, तो एक पॉपुलेशन जो है वो इसकी बेसिक यूनिट होती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है 93, जुरैसिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जुरैसिक पीरियड जो है मीसोजोइक एरा का, उसमें क्या उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताएंगे या उनके अंदर कैरेक्टराइज्ड जो है वो किससे करेंगे उसको। इसमें डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट बर्ड, यही करेक्ट हो जाएगा। जुरैसिक पीरियड में पहला जो है वो इनसे बर्ड इवोल्व हुआ, जब जाइंट डायनोसोर्स जो थे, जाइंट रेप्टाइल्स थे, वो जब एक्सटिंक्ट हुए, डिसअपियर हुए, उनके एक्सटिंक्ट या डिसअपियर होते ही जो है वो फर्स्ट बर्ड्स जो है वो इनके अंदर इवोल्व हुए, और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट थे वो डोमिनेंट रहे थे। तो इसमें पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट बर्ड, तो पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है फर्स्ट टूल मेकर एंसेस्टर वाज, टूल मेकिंग एंसेस्टर जो है वो पहला कौन सा था, होमो हैबिलिस जो है उसको फर्स्ट टूल मेकर एंसेस्टर माना गया है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, डार्विनियन वेरिएशंस आर जनरली कंसीडर्ड एज, डार्विन की वेरिएशंस को जनरली किसमें कंसीडर करते हैं, किस टाइप की वेरिएशंस है डार्विन की वेरिएशंस, माइनर होती है, छोटी वेरिएशन होती है एक, तो डार्विनियन वेरिएशंस जो है वो कैसी होगी, माइनर होगी, मेजर नहीं होती, डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल नहीं होती, कंटिन्यूस होती है। तो क्या होगा, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आगे चलें 96 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर टू डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ स्पेशिएशन,
डार्विनियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नई स्पीसीज अराइज होती है, उस नई स्पीसीज के अराइज होने में क्या सीक्वेंस रहती है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो सीक्वेंस आपको बतानी है। तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होता है, तो फर्स्ट नंबर पे ओवर प्रोडक्शन, तो फर्स्ट तो क्या बता देंगे इनमें, ओवर प्रोडक्शन, तो फर्स्ट ओवर प्रोडक्शन ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद लिमिटेड फूड एंड सोर्स, लिमिटेड फूड एंड स्पेस होता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो इसके कारण इनमें क्या होता है, स्ट्रगल होता है। थर्ड नंबर पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्लियर आ तक। अब उसके बाद जब इनके अंदर स्ट्रगल हो रहा है तो स्ट्रगल होने के कारण क्या होगा इनमें, अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन, उसके बाद जो है वो इनमें वेरिएशंस जो है वो अपीयर होगी, इनमें कुछ चेंजेज आएंगे जब स्ट्रगल करेंगे, तो स्ट्रगल के अंदर सारे इंडिविजुअल या सारी प्रोजेनी सर्वाइव नहीं करती, उनमें क्या होता है कुछ प्रोजेनी जो है वो डेड हो जाती है और कुछ प्रोजेनी जो है वो उसमें सर्वाइव कर जाती है। जो प्रोजेनी उसमें सर्वाइव करेगी इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ नई वेरिएशंस आ जाएंगी, का मतलब क्या हुआ, उनमें कुछ नई वेरिएशंस आ जाएंगी, वो सर्वाइव करेंगी, तो अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन जिसके अंदर आ गई उसका नेचर सेलेक्शन करेगी, तो वो नेचर के थ्रू सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, तो ये इनमें इसके बाद फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा नेचुरल सेलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिट जो होगा उसको जो है वो सर्वाइव करेगा उसमें। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, अब वेरिएशंस की जो है वो आगे क्या होगी, इनहेरिटेंस करेंगी वेरिएशन, आगे से आगे अगली जनरेशन में जाएंगी और उसके बाद नई स्पीसीज अराइज हो जाएगी, तो ये लास्ट में जो है वो स्पेशिएशन या नई स्पीसीज का अराइज होना। तो क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो कंटिन्यू आएंगे, उसके बाद क्या आना चाहिए सेवेंथ, उसके बाद सिक्स्थ, सेवेंथ के बाद सिक्स्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन जो है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखें 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ पैथोजन एंड पेस्ट इन लेसर टाइम पीरियड, तो क्या होता है ये सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है जिसके कारण से जो है वो DDT रेजिस्टेंट जो है वो मच्छर डेवलप हो जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और ऐसे ही हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो है वो हर्ब डेवलप हो जाता है, तो ये इनके अंदर जो है वो क्या जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी आ जाएगी, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आप देखें द डायग्राम गिवन बिलो शोज द स्कल ऑफ टू डिफरेंट मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द डिफरेंसेस बिटवीन द स्कल, इनके बारे में कौन सा इसके लिए जो है वो करेक्टली या एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया है, तो एक्यूरेट डिस्क्राइब जो है वो इसमें से कौन से को किया गया है, ये क्या दे रखा है, पहला जो स्केल है वो किसका है, ऐप का स्केल होता है, ये पहला ऐप का स्केल होता है और दूसरा जो है वो ह्यूमन स्केल है, पहला ऐप का स्केल है चिंपेंजी का और ये जो स्केल है वो ह्यूमन का है, जिसके अंदर आप देख रहे हो ऐप में क्या होता है प्रोग्नेथस फेस होता है, एप में प्रोग्नेथस फेस होता है, चिन या ठुड्डी का विकास नहीं होता, तो ये आगे की तरफ ऐसे निकला हुआ प्रोग्नेथस फेस होता है। ह्यूमन जो होता है मॉडर्न मैन उसके अंदर किस टाइप का होता है, मॉडर्न मैन के अंदर जो है वो ऑर्थोग्नेथस फेस होता है, तो ये आप देख रहे हो ऑर्थोग्नेथस फेस है, ये प्रोग्नेथस फेस है, क्लियर यहां तक। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इनमें स्कल ए हैज मोर टीथ देन स्कल बी, इससे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, स्कल ए हैज मोर ब्रेन कैपेसिटी देन स्कल बी, ये ऐप का है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कम होती है, ये ह्यूमन का है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये भी ए और बी दोनों गलत हो गए, स्कल ए इज ऑफ ए ह्यूमन एंड स्कल बी इज ऑफ एन ऐप, ये भी इनकरेक्ट है, दोनों उल्टे बता रखे हैं, स्कल ए इज ऑफ एन ऐप एंड स्कल बी इज ऑफ ह्यूमन, ये इसके लिए जो है वो कौन सा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ये इसमें करेक्ट बता रखा है, तो ये इसमें क्या होना चाहिए, ये इसका करेक्ट है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर यहां तक।
करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ जो है उसको एक्यूरेट डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डार्विन्स फिंचेस। डार्विन फिंचेस के लिए निम्न में से कौन सा सही है, ट्रू पूछ रहा है इसमें, तो डार्विन फिंचेस के लिए ट्रू कौन सा होगा, तो डार्विन फिंचेस के लिए ट्रू कौन सा है, पहला ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है दीज इवोल्व बाय एडेप्टिव रेडिएशंस, करेक्ट है, एडेप्टिव रेडिएशंस के कारण इवोल्व हुई है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण इवोल्व हुई है। दीज वर इवोल्व फ्रॉम सीड ईटिंग एंसेस्टर्स, ये भी करेक्ट है, सीड ईटिंग एंसेस्टर से ही सारी इवोल्व हुई है। दीज रिप्रेजेंट द ब्रांचिंग डिसेंट, ये भी करेक्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है, आगे जो नई स्पीसीज आ रही है वो नए चेंजेस के साथ या नए वेरिएशंस के साथ नई स्पीसीज इवोल्व हो रही है, तो ब्रांचिंग डिसेंट भी बता रही है ये भी करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट इज ए बी सी, तीनों ही स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आ तक, समझ में आ गई बात। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 100, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा था, ईओबायोंट जो है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाकी जो सारे हैं ये वो प्रोटोबायोंट है, समझ आ रही है। ये ईओबायोंट जो है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इवोल्व हुए थे, जो कैसे थे, वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो पहली बार इवोल्व हुए, इससे पहले जो इवोल्व हुए थे वो प्रोटोबायोंट, कोएसर्वेट, माइक्रोस्फियर, वो सारे जो है वो क्या थे, वो सब प्रोटोबायोंट्स में ही इंक्लूड थे, जो प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट लाइफ थे। ये प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट लाइफ, ये प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट लाइफ, ये प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट लाइफ, तो फर्स्ट लाइफ जो अराइज हुई थी वो क्या थी, ईओबायोंट जो है वो फर्स्ट लाइफ की फॉर्म में अराइज हुए थे। क्लियर। उसके बाद आप देखें 101, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद इट्स सुटेबल एग्जाम्पल, इसके सुटेबल एग्जाम्पल के साथ जो है वो आपको नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। इसमें आप देख रहे हो भी यहाँ क्या दे रखा है, एक एवरेज मीडियन साइज इंडिविजुअल को पीक पे दिखा रखा है, और यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, इसमें पीक को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, तो पीक को पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो किस टाइप का सिलेक्शन है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा, तो इसमें जो सिलेक्शन चल रहा है वो होगा डायरेक्शनल सिलेक्शन, समझ गए भी। अगर एवरेज कैरेक्टर की बजाय जो है वो पीक एक साइड में शिफ्ट हो जाता है तो वो होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, ये अपने आप में एक डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। क्लियर आ तक, तो ये यहाँ जो है वो डायरेक्शनल सिलेक्शन को शो कर रहा है, तो ए स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, बर्थ वेट इन ह्यूमन न्यूबोर्न, गलत है, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है ही नहीं है, डायरेक्शनल सिलेक्शन है, सी मोलस्क, ये सी मोलस्क वाला डिसरप्टिव का एग्जाम्पल है। डायरेक्शनल सिलेक्शन के साथ जो एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आएगा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला आएगा, तो बी के साथ सी, बी के साथ थ्री, तो ये इनके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि डायरेक्शनल सिलेक्शन है, जो एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा। क्लियर यहाँ तक, क्या दिया भाई इन्हें, एक तो नेचुरल सिलेक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ साथ सुटेबल एग्जाम्पल बताना है, तो नेचुरल सिलेक्शन तो कौन सा है, डायरेक्शनल सिलेक्शन है, और इसका जो है वो अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप देखें 102, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मोनोफाइलेटिक इवोल्यूशन और एनाजेनेसिस। एनाजेनेसिस या मोनोफाइलेटिक इवोल्यूशन का मतलब जो है वो क्या होता है, एनाजेनेसिस या मोनोफाइलेटिक इवोल्यूशन होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज इवोल्व नहीं होती हो, बढ़ती नहीं है, इंक्रीज नहीं होती, नंबर ऑफ स्पीशीज है वो इंक्रीज नहीं होगा, इनमें क्या होता है, एक तरीके से एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में मॉडिफाइड हो जाती है, समझ आ रही है, एक स्पीशीज दूसरी में मॉडिफाइड हो जाएगी, जैसे इनके अंदर जो है वो क्या सिस्टम होता है, जैसे पहले से ए स्पीशीज है,
इससे इवोल्व हुई बी स्पीसीज, इससे इवोल्व हो गई सी स्पीसीज। इनमें क्या होता जा रहा है कि बी स्पीसीज इवोल्व हुई तो ए स्पीसीज डिसअपियर हो गई। इट मीन्स ए स्पीसीज जो थी वही पूरी तरीके से मॉडिफाइड हो गई बी में, और बी स्पीसीज थी वो पूरी तरीके से मॉडिफाइड हो गई सी स्पीसीज में। क्लियर यहां तक? इट मीन्स नई स्पीसीज तो बनती जा रही है, स्पेशिएशन तो हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज नहीं हो रही। एक स्पीसीज दूसरी में चेंज होती जा रही है, ये एनाजेनेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशिएशन होता है। एक होता है इनमें क्लेडोजेनेसिस। क्लेडोजेनेसिस में क्या होता है, एक स्पीसीज ये है, इससे नई स्पीसीज बनी है, एक इससे नई स्पीसीज बन गई है, फिर इससे नई स्पीसीज बन गई है। इनके अंदर क्या होता जा रहा है कि नई नई स्पीसीज जो बनती जा रही है उसके साथ साथ पहले वाली जो स्पीसीज है वो भी एग्जिस्टिंग स्टेज में बनी रहती है, वो भी सर्वाइवल फॉर्म में बनी रहती है, जिससे क्या होगा नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होते जाते हैं। क्लियर यहां तक? अपने को इसमें आइडेंटिफाई करना है मोनोफाइलेटिक या एनाजेनेसिस। मोनोफाइलेटिक का मतलब है नई स्पीसीज जहां राइज नहीं होकर नई स्पीसीज बन रही है लेकिन पुरानी स्पीसीज एग्जिस्टिंग स्टेज में नहीं है, उसी के अंदर वेरिएशन आने के कारण या मॉडिफाई होने के कारण वो अगली उसमें चेंज हो जाती है। तो इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंसेज, खूब सारी स्पीसीज बनी है तो ये नहीं हो सकती। ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर जो है वो एक ही स्पीसीज लगातार बनी हुई है, केवल आगे से आगे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इसका होता जा रहा है। तो ये एनाजेनेसिस का एग्जाम्पल होगा। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में भी खूब सारी स्पीसीज बन रही है तो ये भी नहीं हो सकता। प्लेसेंटल मैमल्स में भी खूब स्पीसीज बन रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो एनाजेनेसिस का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो क्या होगा, एनाजेनेसिस के अंदर एग्जाम्पल होगा वो होगा ह्यूमन इवोल्यूशन। क्लियर आ तक? सेकेंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्सपेरिमेंट और थ्योरी ऑफ लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर की थ्योरी में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा इसमें। तो इनकरेक्ट में देखिए पहला दे रखा है, लाइफ कुड नॉट अपियर्ड फ्रॉम किल्ड ईस्ट व्हेन द ब्रोथ वाज कैप्ट इन स्वान नेक फ्लास्क। सोर्बे को अनस्क्रीवा फ्लास्क में रखा गया तो ईस्ट में जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाई। ये जो है वो सही है गलत है? जब सोर्बे को अनस्क्रीवा फ्लास्क में रखा गया तो ईस्ट में जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाई, सही है ये? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम द किल्ड ईस्ट व्हेन इट कैप्ड इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर, ये भी करेक्ट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो गए थे जहां उसको खुला छोड़ दिया। दिस एक्सपेरिमेंट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये भी करेक्ट है। दिस एक्सपेरिमेंट आंसर्ड दैट हाउ द लाइफ केम ऑन अर्थ, ये बात ये नहीं बता सके कि अर्थ पे लाइफ कैसे आई है। क्या बताया इन्होंने, यहां तक बता दिया इन्होंने कि प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उससे नई लाइफ की ओरिजिन होती है। पहले से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो होती है उसी से नई लाइफ की ओरिजिन होती है, लेकिन जो फर्स्ट लाइफ अर्थ पर आई वो कैसे आई इसके बारे में इन्होंने कहीं भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तो ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट जो है वो उसमें पूछा है कि इसने कौन सी चीज नहीं बताई थी, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखें 104, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट के सेट को सेलेक्ट करना है। इसमें पहला दे रखा है, देयर वर फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, तो ये इसमें सही स्टेटमेंट। अकार्बनिक घटकों से विभिन्न कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ था। कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ वर हाई टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग एटमोसफेयर, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है सी, देयर वर नो सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन प्रिमिटिव एटमोसफेयर, ये गलत है क्योंकि एनर्जी सोर्स जो है वो उस टाइम क्या थे, या तो बिजली के चमकने से इलेक्ट्रिक स्पार्किंग जो होती थी उसके कारण जो है वो एनर्जी मिलती थी उनको, या फिर दूसरा जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो थी उनके कारण केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी मिलती थी। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट है, देयर वर नो सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन प्रिमिटिव एटमोसफियर।
नेक्स्ट है वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली मोस्ट प्रिमिटिव इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन प्रिमिटिव अर्थ. ये भी सही है, वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली मोस्ट प्रिमिटिव इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑन प्रिमिटिव अर्थ, ये भी करेक्ट है. तो कौन कौन से इनकरेक्ट, कौन सा हो गया? सी जो है वो इनकरेक्ट है. और पूछा क्या अपने को, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट सी को छोड़कर यानी ए बी और डी, तो ए बी और डी इसके करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गई बात? आगे देखें 105. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ गिवन डायग्राम साइमुलेटेड द रेन ऑफ प्रिमिटिव एटमोसफेयर. तो प्रिमिटिव एटमोसफेयर पर रेन जो हुई वो कब हुई? जब अर्थ का टेम्परेचर एकदम डाउन हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हुआ, तब जाकर अर्थ पे जो है वो पानी रुकने लग गया था. तो ये जो रेन हुई वो इस मिलर के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा जो बताया सिस्टम, ए वाला जो सिस्टम है वो रेन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ तक ये वाटर वेपर जा रही है, वाटर वेपर इसमें आ रही है, यहाँ जो मिक्सर बना इनका वो भी गैसेस फॉर्म में था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम चल रहा था. तो यहाँ जो मिक्सर बना इनका, ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड जैसे जो एमिनो एसिड बने वो भी गैसेस फॉर्म में ही बने थे. उसको आगे लिक्विफाई करने के लिए यहाँ कंडेंसर लगाया ए, इसको लिक्विफाई करने के लिए या द्रव अवस्था में लाने के लिए, तरल अवस्था में लाने के लिए इसने यहाँ कंडेंसर लगाया था ए, और ये कंडेंसर लगाने के कारण ये यहाँ लिक्विफाई हुआ, और लिक्विफाई होने के बाद में इस यू ट्यूब के अंदर ये कलेक्ट हुआ. क्लियर आ तक? तो रेन के लिए जो है वो साइमुलेशन किस तरीके से किया इन्होंने, किसको साइमुलेटेड किया? ए को किया था, कंडेंसर लगाया था यहाँ. तो ये कंडेंसर जो है इसके कारण टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, और टेम्परेचर के कम होने के कारण जो है वो अर्थ पर पानी रुकने लग गया था, रेन होने लग गई थी. क्लियर आ तक? ये इसमें करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा. उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डार्विनिज्म. डार्विनिज्म से रिलेटेड इनमें से कौन से नहीं है? ब्रांचिंग डिसेंट, ये डार्विनिज्म से रिलेटेड है. मेजर वेरिएशंस, ये नहीं थी. डार्विन के अकॉर्डिंग क्या थी? स्मॉल वेरिएशंस या माइनर वेरिएशंस थी. नेचुरल सिलेक्शन भी है. हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कॉन्स्टेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी डार्विनियन थ्योरी से रिलेटेड थी. तो कौन सा नहीं है इनमें? मेजर वेरिएशंस जो है वो डार्विन से रिलेटेड नहीं थी. क्लियर? उसके बाद आप देखें 107. द कैरेक्टरिस्टिक विच एनेबल द सम ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन नेचर नेचुरल कंडीशंस विल हेल्प देम टू रिप्रोड्यूस मोर प्रोजेनी इंडिविजुअल्स इन कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. तो ये किसने बताया था? दिस कंसेप्ट मेड द बेसिस ऑफ, यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में किसने बताया कि जो बेटर फिट होते हैं वो अपनी ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो नेचर के अकॉर्डिंग बेटर फिट नहीं होते वो कम प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं. ये बात किसने बताई थी? कौन सी थ्योरी से रिलेट है ये? डार्विनिज्म से रिलेट है. फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डार्विनिज्म. क्लियर आ तक? तो ये इसके लिए जो है वो फर्स्ट ऑप्शन डार्विनिज्म जो है इसके कंसेप्ट पर बेस्ड है ये. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखें 108. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एल्फ्रेड वेलेस. एल्फ्रेड वेलेस से रिलेटेड कौन सा नहीं है? एल्फ्रेड वेलेस ने अपने रिजल्ट को एक वेलेस चार्ट के रूप में शो किया था, तो ये भी करेक्ट है. इसके लिए चार्ट के रूप में शो किया. मलय आर्किपेलेगो जो थी इंडोनेशिया, वहाँ की डाइवर्सिटी पर स्टडी की थी. करेक्ट है. कॉन्ट्रीब्यूशन इन डार्विनिज्म, डार्विनिज्म के अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था. मेजर वेरिएशंस, ये मेजर वेरिएशन वेलेस ने भी कहीं भी मेजर वेरिएशंस के बारे में डिस्कस नहीं किया था. ये भी सेम डार्विनियन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट पर चल रहे थे. इन्होंने भी वही बताया था कि स्मॉल वेरिएशंस आती हैं, ये स्मॉल डायरेक्शनल एंड कंटिन्यू वेरिएशन है, उनके कारण एक लंबे टाइम के बाद जो है वो एक नई स्पीशीज की ओरिजिन होती है. तो मेजर वेरिएशन के बारे में इन्होंने भी अपने कंसेप्ट में इंक्लूड नहीं किया था. तो ये इनके अंदर जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये एल्फ्रेड वेलेस से रिलेटेड भी नहीं होती. क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड ड्यू टू अकरेंस ऑफ सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. किसको शो कर रहा है? मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, सही है. एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, ये भी सही है. कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है. ऑल ऑफ दीज आ जाएगा करेक्ट आंसर, फोर्थ हो जाएगा. सारी चीजें जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है. क्लियर आ तक? ये इसमें फोर्थ ऑप्शन हो गया. इसके बाद देखें 110, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी ब्रीज म्यूटेशंस आर, ह्यूगो डी ब्रीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशंस जो होते हैं वो किस तरह की वेरिएशंस है. ह्यूगो डी ब्रीज के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन होते हैं वो म्यूटेशन किस तरह की वेरिएशंस होती हैं? ये रेंडम होती हैं और उसके साथ साथ डायरेक्शन लेस होती हैं, यानी नॉन डायरेक्शनल होंगी. तो रेंडम एंड नॉन डायरेक्शनल वेरिएशंस होती हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर आ तक? तो रेंडम एंड नॉन डायरेक्शनल, क्लियर. उसके बाद 111, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डार्विनिज्म और डार्विन थ्योरी. तो इसके लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? क्लियर. पहला देखें, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, करेक्ट. डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट है. ओवरग्रोन हार्मफुल वेरिएशंस ऑफ सम एनिमल्स सपोर्ट टू डार्विनिज्म, ये गलत है. डार्विनिज्म में ने कहीं भी हार्मफुल वेरिएशंस को सपोर्ट नहीं किया था. उन्होंने क्या बताया था? वेरिएशंस जो होती है वो हमेशा डायरेक्शनल वेरिएशंस होती हैं, हमेशा यूजफुल या बेनिफिशियल वेरिएशंस ही होती हैं, हार्मफुल वेरिएशंस नहीं होती. क्लियर आ तक? तो ये जो है वो इसमें इनकरेक्ट हो गया. इसके लिए डार्विन ऑल्सो कंसिडर्ड द फाइंडिंग ऑफ ए आर वेलेस, ये भी करेक्ट है. ए आर वेलेस ने जो फाइंड किया था उन्हीं को इन्होंने भी कंसिडर किया था. तो फोर्थ भी करेक्ट है. तीसरा जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछा है इसमें, थर्ड आंसर हो जाएगा. उसके बाद है 112 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा पॉपुलेशन के अंदर जो है वो उसकी जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है. एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, ये जरूरी है. मेंटेन तभी रहेगा जब म्यूटेशन नहीं हो. स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये नहीं होता. क्या होती है? लार्ज साइज जो है पॉपुलेशन की वो मेंटेन करती है, स्मॉल साइज मेंटेन नहीं करती. रेंडम मेटिंग सही है. एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी मेंटेन करने के लिए नहीं होना चाहिए. तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए. स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर है तो वो मेंटेन नहीं करेगी. समझ में आ गई ना? मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? लार्ज साइज की पॉपुलेशन जरूरी है. सेकेंड ऑप्शन इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा. क्लियर, आगे चलें. विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल शोज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विद द व्हेल, तो व्हेल के साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करने वाला कौन सा रेप्टाइल होगा? इक्थियोसोर्स, जो वाटर में रहता है, और वाटर में रहने के कारण दोनों के अंदर सिमिलरिटीज आ जाती है व्हेल में और इक्थियोसोर्स में. तो इक्थियोसोर्स जो है वो इसके साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा. उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर्स वाज विद मोर रिजेम्बलेंस विद एप, एप से ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो इनमें से कौन से एंसेस्टर की रही है? एक रामापिथेकस था, एक ड्रायोपिथेकस था. इनमें से रामापिथेकस मोर लाइक ह्यूमन एंड ड्रायोपिथेकस मोर लाइक मैन. ड्रायोपिथेकस मोर लाइक एप, और जो है वो ये कैसा होगा? ह्यूमन एंसेस्टर से जो है वो मिलता जुलता रामापिथेकस. तो ये क्या हो जाएगा इसमें? ड्रायोपिथेकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर. हाँ, तो इसमें अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115. क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलोपिथेकस से रिलेट नहीं है? क्लियर. इसमें आप देखें
ट्वांग बेबी की जो है वो किसके लिए है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए है, करेक्ट है। और हैंडीमैन ये किसके लिए आया? होमो हैबिलिस के लिए आया है। हैंडीमैन जो है वो क्या थे? होमो हैबिलिस, तो वो इसके लिए सही नहीं है, क्लियर। लूसी ये भी क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ट्वांग बेबी में क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो एप मैन थे उनके बच्चे के एक फॉसिल को देखा था, उसको नाम दिया था ट्वांग बेबी। और सबसे पहले एक फीमेल के रूप में जो देखा था वो देखा था लूसी के फॉसिल्स को, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद है दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो, ये भी करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट जो है वो कौन सा है? इज नॉट रिलेटेड पूछा है, तो नॉट रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो नॉट रिलेटेड कौन सा है? वो इनमें हैंडीमैन या होमो हैबिलिस के लिए बताया गया, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया। तो हैंडीमैन जो है वो इससे रिलेट नहीं होगा, क्लियर। उसके बाद देखें नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है 116, सेलेक्ट ए प्लेसेंटल मैमल विच शोज द पैरेललिज्म विद न्यूम्बेट। न्यूम्बेट के साथ पैरेललिज्म या पैरेलल इवोल्यूशन शो करने वाला, इसके साथ जो है वो समानांतर उद्विकास शो करने वाला जो एनिमल है वो कौन सा? इनमें से आंट ईटर जो है वो इसके साथ पैरेलल इवोल्यूशन शो करता है, क्लियर आ तक। तो न्यूम्बेट के साथ जो पैरेलल इवोल्यूशन शो करेगा वो कौन सा है? आंट ईटर करेगा। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा, क्लियर। टेबल बेस है, आपके जो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में उसमें सबके पैरेलल इवोल्यूशन शो कर रखे हैं, एक तरफ मार्सुपियल मैमल और दूसरी तरफ प्लेसेंटल मैमल है। तो मार्सुपियल मैमल और प्लेसेंटल मैमल्स में दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ जो पैरेललिज्म शो हो रहा है वो न्यूम्बेट के साथ किसका पैरेललिज्म है? आंटीटर का, क्लियर। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसमें? आंटीटर, क्लियर। अब इसके बाद इसमें ये आंटीटर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कुड बी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो सीक्वेंस रही है उसमें आपको ध्यान है भाई सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उन केमिकल इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के बाद इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली एमिनो एसिड्स हैं, सिंपल सुगर है, मोनोसेकेराइड सुगर है, और इसके अलावा इनके अंदर पेंटोज सुगर फॉस्फेट वगैरह ये बन गए। उसके बाद इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने जिनमें एमिनो एसिड पॉलीमराइज होकर उन्होंने प्रोटीन्स बनाए, मोनोसेकेराइड उनके पॉलीमराइजेशन से पॉलीसेकेराइड सुगर बनी, और पेंटोज सुगर और फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस इन्होंने मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाए। इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने और उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्रीगेशन से बाद में कोएसर्वेट या प्रोटोबायोंट बने। उन कोएसर्वेट या प्रोटोबायोंट से आगे चल के ईयोबायोंट या फर्स्ट लाइफ अराइज हुई, और उससे आगे धीरे धीरे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बनते गए, क्लियर यहां तक। तो इनमें सिक्वेंस अगर आप देखें तो सबसे पहले दिया हुआ इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फिर दे रखा है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ये तो पहले से ही इनकरेक्ट हो गया कि पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल बने थे उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल बने, तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, उसके बाद दे रखा है कोलोइडल एग्रीगेट्स, फिर ईयोबायोंट और फिर सेल, ये सही है क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनके बीच कंडेंसेशन हुआ, आपस में इंटररिएक्ट हुए, तो उन्होंने क्या बना दिए? ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया, और ऑर्गेनिक मटेरियल से बाद में कोएसर्वेट बने जो क्या थे? इनऑर्गेनिक मटेरियल के एग्रीगेशन से बने थे,
वो को एसरवेटिया कोलोइडल एग्रीगेट्स, उसके बाद उनसे ईओबायंट बने और उनसे आगे सेल बनी, इस तरीके से बना। अगले में आप देखें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर ईओबायंट, फिर सेल और कोलोइडल एग्रीगेट्स, ये लास्ट में दे रखा है कोलोइडल एग्रीगेट्स, तो ये गलत हो गया। चौथे में ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल लास्ट में दे रखा है, कोलोइडल एग्रीगेट भी लास्ट में दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सी सिक्वेंस करेक्ट रहेगी? सेकेंड सिक्वेंस जो है वो इसके लिए करेक्ट सिक्वेंस है, जिसमें आप देख रहे हो सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल, उससे आगे ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल से आगे कोलोइडल एग्रीगेट्स यानी कोएसरवेट्स, कोएसरवेट या कोलोइडल एग्रीगेट से आगे ईओबायंट और उसके बाद सेल बनी। क्लियर? तो ये आपने देखा इनके अंदर जो है वो सेकंड नंबर की सीक्वेंस है, वो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 118, इसमें आप देखें सेपरेट द फॉलोइंग इनटू होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ये होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स को जो है वो इसमें हम देखेंगे। तो इनके अंदर आप देखें फर्स्ट स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो जो है वो क्या है, ये दोनों ये एनालोगस ऑर्गन है। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालोगस ऑर्गन, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड बर्ड्स, और इसके बाद ये क्या होगा, इनमें ऑक्टोपस एंड बर्ड्स ये एनालोगस और ये एनालोगस हो गए। और उसके बाद आप देखें स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो में क्या था, दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो जो है वो किससे अराइज है, स्वीट पोटैटो है वो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन, और पोटैटो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, एनालोगस हो गए, ये एनालोगस हो गए। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, ये एनालोगस हो गए, जिनके अंदर दोनों में पेंगुइन और डॉल्फिन में फ्लिपर्स जो है वो क्या काम करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखें, ऑक्टोपस और मैमल्स के साथ अगर देखते हैं ये आईज में, तो ये होमोलोगस है। ऑक्टोपस और मैमल्स की आईज जो है, इनके बारे में अगर ये पूछता जाता है तो वो क्या थी, वो होमोलोगस थी, लेकिन ये बर्ड्स के साथ पूछ रहा है तो ऑक्टोपस एंड बर्ड्स इसके साथ है तो ये एनालोगस ऑर्गन है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये एनालोगस ऑर्गन। उसके बाद फोर्थ है हेड्स ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, होमोलोगस ऑर्गन। फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बेट एंड चीता, ये होमोलोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन जो है वो इनमें कौन कौन से हैं, होमोलोगस ऑर्गन जो है वो कौन से हो जाएंगे इनमें, होमोलोगस ऑर्गन में फोर्थ एंड फिफ्थ, और एनालोगस ऑर्गन जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये क्या जाएगा, सेकेंड आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही भी? यहाँ एक चीज आप ध्यान रखें, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड बर्ड्स की बजाय आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स अगर पूछते तो क्या होता है, ये होमोलोगस होता है। ऑक्टोपस और बर्ड्स के अंदर जो है वो आईज का दिया हुआ है, तो क्या है ये इनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की ओरिजिन है। क्लियर यहां तक? तो ये इन्हें अंदर क्या हो गया, इनमें ये एनालोगस हो गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और होमोलोगस हो गए फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट है 119 में देयर इज ए पॉपुलेशन इन विच मोर इंडिविजुअल्स आर एक्वायरिंग बोथ पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो पेरिफेरल कैरेक्टर है वो क्या होंगे, देयर इज ए पॉपुलेशन इन विच मोर इंडिविजुअल्स आर एक्वायरिंग बोथ पेरिफेरल कैरेक्टर। किस तरह का ग्राफ बता रहा है, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायरिंग पेरिफेरल कैरेक्टर। क्लियर? और ये इनके अंदर एक्वायरिंग पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू से ज्यादा जो है वो क्या है, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जो है वो इनमें ज्यादा इंडिविजुअल है। क्लियर यहां तक? तो किस तरह का, दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का एग्जाम्पल है ये, इनके अंदर जो है वो मीन कैरेक्टर वैल्यू की बजाय अदर कैरेक्टर वैल्यू जो है उसके इंडिविजुअल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये
कौन सा हो गया? डिसरप्टिव सिलेक्शन जो है वो उसमें हो जाएगा। सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें आपने देखा डिसरप्टिव सिलेक्शन। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉन टू रिजेक्ट द आइडिया दैट लाइफ केम आउट ऑफ डीकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रो एंड मड। क्या पूछा है क्वेश्चन में? दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट में से ऐसा है इज नॉन टू रिजेक्ट, किस रिजेक्ट, किसको रिजेक्ट किया? द आइडिया दैट द केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, कि डिकेइंग और रोटिंग मैटर से यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से जो है वो प्रथम जीव उत्पन्न हुआ है, इसको रिजेक्ट करने वाला साइंटिस्ट जो है वो कौन सा था? लुईस पाश्चर ने इसको रिजेक्ट किया है। तो क्या था इनमें? करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा लुईस पाश्चर, जिसने अपने स्वान नेक वाले फ्लास्क के थ्रू जो है वो इसको रिजेक्ट करके बताया था कि ये थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से गलत है, कि डेट्रिटस ऑर्गेनिक मैटर से कभी भी अपने आप जो है वो फर्स्ट लाइफ अराइज नहीं हो सकती। क्लियर यहां तक? फिर लुईस पाश्चर ने अपने अकॉर्डिंग क्या बताया था? बायोजेनेसिस थ्योरी दी थी, जिसमें क्या बताया इन्होंने? प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उसी से न्यू लाइफ अराइज होती है। क्लियर, समझ में आ गया? ये जो है वो आपके सारे पेपर का सॉल्यूशन हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि भाई कहाँ इसमें क्या गलतियां कर जाते हैं कई बार। तो इनमें चैप्टर आपको मैंने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसकी हर एक लाइन, हर एक पॉइंट जो है वो अपने आप में क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गई? जिसमें आपने देख भी लिया होगा 120 क्वेश्चन है, उसमें हर जगह हर लाइन जो है वो उसमें इम्पोर्टेंट है, जिसको कई बार इग्नोर कर जाते हैं, कई बार ये फ्लो चार्ट को इग्नोर कर जाते हैं कि इनमें से थोड़ी पूछते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको हर चीज आपको आनी चाहिए, और स्पेशल ध्यान देने की बात यह है कि उसमें जो फ्लो चार्ट दे रखे हैं उन फ्लो चार्ट में आप अपनी लैंग्वेज में उस फ्लो चार्ट को अपने तरीके से बना के देखें, कौन सा किसका एंसेस्टर है और कौन सा डायरेक्ट किसका डिसेंडेंट्स है। क्लियर आ तक? ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं, खूब सारे क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं फ्लो चार्ट के बेस पर। तो वो चीजें जो है वो आप इसमें बारीकी से ध्यान दें, जो भी क्वेश्चन इसमें से आएंगे वो ये मान के चले एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में भी आप समझ रहे हो इस चैप्टर को, कितनी जगह डार्विनियन थ्योरी को वो कर रखा है, अलग अलग जगह बिखेर रखा है, आपको सारा नॉलेज उसका होना चाहिए कि इनके अंदर हर एक पॉइंट जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय।